सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सो अपना ऑडिट ऑफ बैंक आज अपन फिनिश करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट रिवाइज क्यूमुलेटिवली व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ इन ऑडिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एज आई टोल्ड, मुझे अभी दो तीन स्टूडेंट ने पूछ भी लिया कि सर कैन आई लीव। एब्सोल्युटली नॉट एट दिस स्टेज एंड इवन नॉट एट द लेटर स्टेज। ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू रिवाइज फास्टर इन द लेटर स्टेजेस। ठीक है, लेटर रिविजन्स में और फास्टर रिविजन्स करना है, बट लेट्स ट्राई कि तुम लोग समराइज करो या फिर बार बार रिवाइज करो, बट नेवर नेवर ट्राई टू थिंक टू लीव दिस चैप्टर। ठीक है, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एज आई टोल्ड, एक अटेम्प्ट में 11 नंबर कभी आ चुके, ये चैप्टर से 11 नंबर कभी आ चुका है वन ऑफ द अटेम्प्ट में। थ्री थ्री क्वेश्चन 2 मार्क्स के ईच ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव में आया था 5 मार्क का और 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे 2 2 नंबर के। 11 नंबर तक कभी आ चुका है चैप्टर से, एंड डेफिनेटली 5 to 7 मार्क्स विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नेवर थिंक ऑफ लिविंग दिस चैप्टर। रिवाइज क्यूमुलेटिवली, बार बार रिवाइज करो, समराइज करो, बट इंक्रीज द पेस ऑफ योर रिविजन। ठीक है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू रिवाइज फास्टर इन द लेटर रिविजन एज वेल। अभी लेट्स अपन क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स में वी फर्स्ट स्टार्टेड विद लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में अपन ने देखा था, 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। एक तो एक्ट्स गवर्निंग, व्हाट ऑल एक्ट्स विल गवर्न द बैंकिंग ऑपरेशन। उसके अंदर अपन ने देखा कि बैंकिंग रिलेटेड सारे एक्ट बता दो। एसबीआई एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया 1949। ठीक है, और कंपनीज एक्ट हो गया। सिमिलरली देन कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड सारे एक्ट बता दो। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो मेन है, प्लस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो भी तुम जिस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में तुम रजिस्टर होंगे। तीसरा तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पम्बला, सरफेसी, राइट। ऑल दिस एक्ट्स, मिसलेनियस एक्ट्स विल कम अंडर मिसलेनियस, एंड ऑल दिस एक्ट्स फॉर गवर्निंग द बैंकिंग ऑपरेशन। इसके बाद अपन ने देखा कि स्टेच्यूटरी सेंट्रल ऑडिट, जो कि ब्रांच का ऑडिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेन एचओ का जो ऑडिटर है उसके स्कोप ऑफ असाइनमेंट में क्या क्या और इंक्लूड होगा, उसके स्कोप ऑफ असाइनमेंट में उसको कैसे रिपोर्ट करनी है, मेन रिपोर्ट के अलावा और क्या क्या रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। तो अपन ने देखा था कि भैया फ्रॉड रिपोर्टिंग हो रही है 143(12) में, या एनी एनी रिपोर्टिंग रिलेटेड टू फ्रॉड, लाइक एग्जाम्पल अनयूज बैंक रिसिप्ट फॉर्म्स तुम्हारे कस्टडी में, किसके कस्टडी में, कौन यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसका, वो सब भी तुमको देखते हुए चलना, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है। फिर रिपोर्ट ऑन तुम्हारा आईको एफ आर इज इफेक्टिव और नॉट। आईको एफ आर, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिव और नॉट। एएलएम, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच तो नहीं है, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन के ऊपर सर्टिफिकेट जो भी रहेगा ऑडिटर का उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। फिर एलएफएआर के ऊपर रिपोर्टिंग करनी, पूरे के पूरे मैंने बताया था, सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ऑन गाइडलाइंस होती है, ऑन ईच एडवांसेस, कैश, बोरोइंग, डिपॉजिट, एवरीथिंग, एवरी आइटम, एंड देर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड विद बाय द ऑडिटर इन द एलएफएआर, एंड दिस एलएफएआर आर submitted in the branch level, and then all the LFR submitted at the branch level is consolidated at the HO level. So LFR के ऊपर reporting करनी है statutory central auditor को। उसके बाद तुम्हारा SLR requirement है, घोष कमेटी, जिलानी कमेटी। घोष कमेटी relates to fraud, जिलानी कमेटी relates to inspection और internal controls। Then एक important था own investment plus portfolio management service के जो investment है वो दोनों अलग अलग रखेंगे, बट दोनों का टोटल टैली हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट देखा था, तो वही है, ट्रू ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए बैलेंस शीट में, राइट। ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट में होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर करेक्टली अराइव्ड होना चाहिए, ट्रांजेक्शन कुछ भी कर रहे हो तो तुम ऑथराइज होना चाहिए, एंड एनी अदर मैटर शुड बी विद इन द पावर ऑफ द बैंक। इसके बाद अपन ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देखा था कि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या लगता है इन द केस ऑफ बैंक्स। बैंक्स में ऐसा क्या खास है जिसके कारण ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन सोचना करना पड़ेगा। सो बैंक्स में ऐसा क्या खास है बोले तो, नेचर ऑफ रिस्क सबसे ज्यादा, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क इन्वॉल्व है विद द ट्रांजेक्शन दैट इज अंडरटेकन बाय द बैंक बिकॉज ऑफ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कैश फ्लोज दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द बैंक्स। इसके अलावा जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो जनरली लार्ज स्केल होते हैं, ब्रांचेस बहुत सारे वाइड स्प्रेड होते हैं विद इन द इकोनॉमी, विद इन द नेशन, राइट, एंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स होते हैं तुम्हारा इन द केस ऑफ बैंक्स। इसके अलावा आईटी डिपेंडेंस बहुत होता है, आईटी डिपेंडेंस विल जनरली टेंड टू, वी जनरली सी कि आईटी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, देयर फॉर वी नीड टू स्पेसिफिकली कंसिडर इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स की कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कैसे ऑडिट किया जाएगा। फिर इसके अलावा आरबीआई अपना मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी
बॉडी है. सो दैट इज वाई आरबीआई के जो रेगुलेशन गाइडलाइन डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड बाई दी स्टेचुटरी ऑडिटर. इसके अलावा और भी नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं बैंक के, न्यू प्रोडक्ट्स डेली, नीडली न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आते रहते हैं बैंक से. देयर फोर यू हैव टू बी कंटिन्यूसली एंगेज एंड कंटिन्यूसली अपडेटेड एंड दैट इज वाई ऑल दिस पॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइजिंग इन द बैंक. इसके अलावा फॉर्म एंड कंटेंट अपन ने देखा था, फॉर्म ए बैलेंस शीट है, फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस है, बट फॉर्म बी कहाँ का है ये? फॉर्म है तुम्हारा शेड्यूल थ्री ऑफ RBI एक्ट, नहीं शेड्यूल थ्री ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है. इसके अलावा AS इंडेक्स तुम लोग देखते रहना, बट इंडेक्स अभी एप्लीकेबल नहीं है बाय द RBI, इट हैज बीन डिफर्ड. प्रिपरेशन ऑफ SFS जैसा होगा वैसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ CFS भी होगा. हालांकि SFS जनरली नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में SFS इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच लेवल, बाय द ब्रांच ऑडिटर्स, बाय द ब्रांच मैनेजर. हाउएवर दीज आर बीइंग कंसोलिडेटेड एट द HO व्हेन द ऑडिटर ऑडिट्स द SFS ऑफ द ब्रांच. बट इन द केस ऑफ प्राइवेट बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनलाइज्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक, इन द केस ऑफ प्राइवेट बैंक दिस इज जनरली नॉट सीन, नो मैंडेटरी ब्रांच ऑडिट, कोई मैंडेटरी ब्रांच ऑडिट ही नहीं, क्योंकि ब्रांच में तुम्हारा मेंटेन होता ही नहीं है. बुक्स ऑफ अकाउंट इज बीइंग मेंटेन एट द HO लेवल ओनली डायरेक्टली. फिर इसके बाद अपन ने देखा था ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, इसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि कंटेंट क्या होगा, अपना कंटेंट क्या होगा, कंटेंट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. इसमें अपन ने सारी बातें 210 में देखी थी, जो अपन ने वही सारी बातें याद रखनी, ऐसे 210 अभी अपन ने देखा नहीं, बट बाद में देखेंगे. एंड दैट इज वॉट इट्स टू बी केप्ट इन माइंड ऑल द पॉइंट्स विच आर मेंशन इन ऐसे 210 प्लस प्लस प्लस. उसके अलावा तुम्हारे अदर स्टेचुटरी सेंट्रल ऑडिटर की बातें इंक्लूडेड थी, प्रीवियस ऑडिटर के पर्टिकुलर के बारे में बातें इंक्लूडेड थी, प्लस तुम्हारा रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हैं अदर ऑडिटर, वो भी तुम्हारी बातें इसमें इंक्लूड करनी. कुल मिला के अदर स्टेचुटरी सेंट्रल ऑडिटर की बातें इंक्लूड करनी है, प्रीवियस ऑडिटर की भी बातें इंक्लूड करनी है, और डिवीजन ऑफ वर्क भी इसमें इंक्लूड करना है सिंस इट्स अ जॉइंट ऑडिट. एंड देयरफॉर डिवीजन ऑफ वर्क कितना कितना कौन कौन सा कौन काम करेगा दैट इज ऑल्सो टू बी क्लैरिफाइड इन द अपॉइंटमेंट लेटर इटसेल्फ. अपॉइंटमेंट लेटर में ही ये क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट. इसके अलावा अपन ने देखा था कि अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगी बैंक्स के केस में, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा. तो नॉर्मल बैंकिंग कंपनी में मैंने बताया नॉर्मल AGM ही होगा. नेशनलाइज्ड बैंक है तो उस केस में तुम्हारी BOD है वही कर लेगी, जो भी तुम्हारी बैंक है BOD है वही कर लेगी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट. रीजनल रूरल बैंक के केस में BOD ही करेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा. रीजनल रूरल बैंक के केस में बता रहा हूँ मैं. RRB में भी BOD ही करेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. एंड SBI के केस में भी कैग करेगी, CAG करेगी, इन कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट CAG करेगी. चारों ही केस में चाहे कोई भी केस हो, RBI का अप्रूवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. RBI का अप्रूवल इज प्री रिक्विजिट. पहले RBI अप्रूव करेगी एंड देन ओनली यू विल फॉलो दिस पॉइंट्स. फिर अपन ने देखा था स्टेजेस इन कंडक्ट ऑफ बैंक ऑडिट, जिसमें इनिशियल कंसिडरेशन में अपन ने देखा कि शादी के टाइम अगर तुम जा रहे हो तो क्या क्या देखोगे लड़की और लड़के के टाइम पे, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस देखोगे, डिक्लेरेशन ऑफ इनडेटनेस बिकॉज ऑफ विच कोई क्वालिफाइड है कि डिसक्वालीफाइड तो नहीं अपन सेक्शन 141 में, इंटरनल असाइनमेंट्स असाइन टू द बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो इंटरनल असाइनमेंट अपन को एक्सेप्ट नहीं करना है, इंटरनल असाइनमेंट अपन को एक्सेप्ट नहीं करना है इफ यू आर ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द बैंक. टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देख लोगे रिटर्न में होना चाहिए, राइट. कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 के अकॉर्डिंगली हो जाना चाहिए, प्लानिंग करोगे अकॉर्डिंगली एंड देन लास्टली इस्टेब्लिश करोगे पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम, इस्टेब्लिश करके डिस्कशन करना है एंगेजमेंट टीम के साथ बैठ के. फिर स्टेज टू में अपन ने देखा कि इनहेरेंट रिस्क देखना चाहेंगे. इनहेरेंट रिस्क देखने के लिए अपन को बिजनेस ऑपरेशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. बिजनेस ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने के लिए अपन इन्वायरमेंट देखेंगे, बैंक के बारे में समझेंगे, बैंक कौन है, बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी है, बैंक के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या है, बैंक में क्या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर TCWG का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी सच दैट इट इज एबल टू आइडेंटिफाई मेजर एंड रिपोर्ट द रिस्क. इट शुड बी सच दैट कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए. स्टेज थ्री फिर उसके बाद अपने देखा कि रिस्क असेसमेंट करोगे. अभी अपने ऊपर में बिजनेस ऑपरेशन वगैरह सब देख लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस ऑपरेशन. नाउ वील असेस द इनहेरेंट रिस्क, नाउ वील असेस द कंट्रोल रिस्क. सो आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉमम देखेंगे अपन, रिस्क ऑफ फ्रॉड देखेंगे, स्पेसिफिक रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज. फिर इसके अलावा अपन ने देखा था स्टेज फोर एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में अपन ने देखा एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, असेस रिस्क. जो यहाँ पे अपन ने रिस्क देखा ना, असेस किया यहाँ पे तीन चार रिस्क, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रॉमम देखा, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटी देखा एंड स्पेसिफिक रिस्क भी देखा. तो ये सारे रिस्क को, रिस्क का असेसमेंट होगा इस पर ऐसे 330 बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. सो वी विल रिस्पॉन्ड टू ऑल द असेस रिस्क बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे 330 एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी
स्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। लास्टली ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम हो जाएगा अपना, एंड ऑडिट मटेरियलिटी डिटरमाइन करके ये कंसिडर कर लेना कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं एंटिटी, वेदर द बैंक इज गोइंग कंसर्न और नॉट। लास्टली रिपोर्टिंग स्टेज में तुमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि मेन रिपोर्ट के अलावा और क्या क्या स्कोप ऑफ असाइनमेंट में आएगा वो रिपोर्ट होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग की रिपोर्टिंग होगी अलग से, एंड बासेल थ्री फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भी रिपोर्टिंग होना जरूरी है, डिस्क्लोजर होना जरूरी है बासेल थ्री फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, मैंडेटरी है। सो ये सारी रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था स्पेशल कंसिडरेशन इन आईटी एनवायरमेंट, मेरे को फटाफट से कौन बता रहा है आंसर ये वाला? इसका मेमोरी ट्रिक थी ओवरऑल पॉलिसी टू कंट्रोल डेटा रिपोर्ट्स फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। सो बिजनेस कंटिन्यूटी से तो था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डीसीपी, डीसीपी डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी या बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या डिजास्टर रिकवरी प्लान। बाकी पॉइंट्स क्या कहते? ओवरऑल पॉलिसी टू कंट्रोल डेटा रिपोर्ट्स फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। बोलो बोलो बोलो। दो कंट्रोल के पॉइंट्स, दो डेटा के पॉइंट्स और दो रिपोर्ट्स के पॉइंट्स। तो क्या दो दो से बताओ तो सही पूरे पूरे। कंट्रोल के दो कंट्रोल, कंट्रोल ओवर की एस्पेक्ट्स, मतलब एक्सपेंस बुकिंग वगैरह, उस पे कंट्रोल है क्या वो चेक करना पड़ेगा सारे अकाउंट हेड पे, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, हाँ, और वेरियस ई बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड चैनल्स, मतलब अपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है क्या। उसमें डेटा से दो पॉइंट्स, एक तो डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंटरफेस, और दूसरा डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। और रिपोर्ट से दो पॉइंट, एक तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला रिपोर्ट, और अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी, और दूसरा एक्सेप्शन रिपोर्ट कुछ होगा तो वो। ठीक है, और ओवरऑल पॉलिसी से क्या था? ओवरऑल आईटी पॉलिसी देखना अपने को, स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ बैंक्स आईटी सिस्टम, राइट। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, स्पेशल कंसिडरेशन जो तुम लोगे बिकॉज ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट। आईटी एनवायरनमेंट के कारण बैंक क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के साथ शेयर करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको। क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आईटी एनवायरनमेंट के कारण कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द आईटी सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन बेस्ड ऑन आईटी सिस्टम। Accordingly, management of the bank has to share detailed information with the auditor. What all information will be shared by the bank with the auditors? Question लिख लो, बाजू में लिखना है तो question आ सकता है। What all information will the bank share with the auditor? Detailed information क्या क्या share करेगा bank with the auditor? Very very important. ये question आएगा तो यही line आएगी question में। मैंने तुम लोग को अभी बताया नहीं है, बट व्हाट आई कंसीडर आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आंसर की ऊपर की क्वेश्चन की लाइन, ठीक है। आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये जो मेन लाइन है जहां से चालू होता है, क्योंकि क्वेश्चन तुम देखोगे तो पूरी रामायण महाभारत गाने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में तुमको यही पूछेगा कि बिकॉज ऑफ इतना इतना आईटी सिस्टम फलना दिखना, यहाँ पे ऑडिट की इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रेजेंट होता है, ये सॉफ्टवेयर से सारा कंसोलिडेशन हो जाता है, फलना दिखना सब बोलेगा। एंड लास्टली देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू शेयर डिटेल इन्फॉर्मेशन विद द ऑडिटर्स, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड बाय द बैंक। फिर अपन ने देखा था की कंट्रोल सिक्योरिटी एस्पेक्ट दैट एन ऑडिटर नीड्स टू एड्रेस, ठीक है, व्हेन ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग। When auditing in computerized banking, अपन को क्या की security control aspects देखने हैं? बताओ बिनिशा मेरे को। कल देखा था अपन ने key control security aspects that an auditor needs to address when auditing in computerized banking. बोलो बिनिशा। बिनिशा रिवाइज सर, सेग्रीगेशन, सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए और अथोराइज होना चाहिए जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, और एक कभी पावर फेल हो रहा है तो उसके सिस्टम के अंदर वो सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ था 3 पॉइंट। सो पावर फेलियर के केस में तुम्हारे पास प्रॉपर बैकअप प्लान होना चाहिए, रिकवरी प्लान होना चाहिए, रिकवरी प्लान प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और एक साइड को, एक एक कोई स्टाफ कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट ना कर दे किसी सिस्टम के अंदर, ये भी ऐसा कुछ होता so, है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, अनऑथराइज अमेंडमेंट ना करे उसके लिए क्या करोगे? प्रोग्राम कुछ इस तरह का बनाना होगा उसके अंदर, सिस्टम किस तरह का बनाना होगा जो कि आगे से ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस देंगे। एक्सेस देना देखना पड़ेगा तुमको कि एक्सेस किसको दे रहे अपन, एक्सेस किसको दे रहे, उससे तुमको क्या इंश्योर कर पाओगे कि कोई भी एरा गारा नत्थु गारा चेंज ना करके चले जाए, ठीक है। सो ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस, अनऑथराइज पर्सन को नको, एंटीवायरस लगाओ, लेजर बैलेंस मिलाओ, याद आ रहा है कुछ? यस सर नाउ आई गॉट इट। ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस, एंटीवायरस लगाओ, लेजर बैलेंस मिलाओ,
इसके अलावा ABCDE से 5 पॉइंट थे। ए से क्या था? ए फॉर एक्सेस टू बी ग्रांटेड टू ओनली टू द ऑथराइज पर्सन, बी फॉर बैकअप, सी फॉर कैलकुलेशन, सी फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन तुम्हारा प्रॉपरली चार्ज जो भी तुम कर रहे हो उसका प्रॉपर कैलकुलेशन चेक करोगे, डी फॉर डेटा, डेटा से क्या पॉइंट थे कि डेटा जो मेरी प्रोसेसिंग है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए और जो डेटा मैं इनपुट कर रहा हूँ वो भी मेरा करेक्ट होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए वो डेटा में। और ई से था तुम्हारा एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट जो भी सबमिट हो रही है जो भी जनरेट हो रही है डेट हैज टू बी सबमिटेड टू द बोर्ड। सो ए बी सी डी ई, ऑथराइज पर्सन को एक्सेस, अनऑथराइज पर्सन नको, एंटीवायरस लगाओ, लेजर बैलेंस मिलाओ। इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन में अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इसके केस में सिर्फ सबसे पहला स्टेज जो है आरबीए का, स्टेज तीन स्टेज है मैंने कल बताया था, तीन स्टेज में सबसे पहला स्टेज है रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क असेसमेंट करने के बाद स्टेज टू में तुम करते हो रिस्क को रिस्पॉन्ड, जैसे जैसे रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एस पर एस 330। और आरबीए का ही तीसरा स्टेज होता है रिपोर्टिंग। तो अपन पहले स्टेज में यहाँ पे देखे थे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा इन द केस ऑफ बैंक्स। सो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क देखोगे, कंट्रोल रिस्क देखोगे, वेदर दी और कंट्रोल्स आर इफेक्टिंग प्रॉपरली और नॉट, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है ना, एंड इसके बाद दोनों को साथ में मिलकर कंबाइंड बिजनेस रिस्क और कंबाइंड कंट्रोल रिस्क को वेरियस रिस्क एरिया में जाके चेक करोगे, एंड लास्टली रिस्क ऑफ ब्रांच रिस्क मैट्रिक्स एक प्रॉपर बना लेना ताकि तुम्हारा रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट भी हो जाए। ड्रॉइंग अप ऑफ रिस्क मैट्रिक्स टेकिंग इन टू अकाउंट फैक्टर्स लाइक रिस्क ऑफ ब्रांच में कितना, एक एक ब्रांच में कितना रिस्क है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस के अंदर, एक एक प्रोसेस के अंदर डीप डाउन जाके, डीप डाइव जाके प्रॉपर रिस्क कितनी है, एक एक चीजें देखना। तो ये तुम्हारा आरबीआईए हो गया, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स के जनरल पॉइंट्स बताओ मेरे को, कोई जनरल पॉइंट्स क्या क्या देखे थे जो कि डील करते तुम्हारे चैप्टर 3 में जो अपन ने पढ़ेंगे इंटरनल चेक सिस्टम से रिलेटेड थे। यस बोलो बोलो, बोलो भाई, कोई बोली नहीं था, कोई रिवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बैंक ऑडिट ऐसा चैप्टर है हर रिवीजन के बाद मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूँ? रिवाइज करोगे कि नहीं करोगे भाई? देखो मैंने बोला था चाहे कुछ भी हो, तुमको याद भी नहीं आ रहा हो तो भी ट्राई टू पार्टिसिपेट सो देट यू एटलीस्ट ट्राई टू रिटेन द स्टफ, ठीक है? कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, जितना याद नहीं आया वो भी हो सकता है लास्ट इसके बाद अटेम्प्ट, इसके बाद जो भी रहेगा तुम्हारे रिवीजन में याद आए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्या पॉइंट थे बैंक के केस में, क्या क्या देखोगे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, वर्क ऑफ वन पर्सन शुड बी चेक बाय अनदर पर्सन, इंश्योरेंस वाला पॉइंट था, सर द मेल शुड बी ओपन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, यू टोल्ड लाइक दिस, मेल जो है होगा वो ऑथराइज पर्सन ही ओपन करेगा क्योंकि उसमें इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। और यस यस, और सर सिग्नेचर वैल्यू लॉन्ग टाइम, हां एक ही एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम के लिए नहीं वही पोजीशन में होना चाहिए, शिफ्टिंग मतलब रोटेशन होना चाहिए, राइट? वो तो तीन पॉइंट तुमको याद रहने चाहिए, उंगली से जो अपन ने याद किया था याद नहीं किया था चैप्टर 3 में, पुराने जो ऑलरेडी है तुम लोगों को तो याद रहने चाहिए कि नो सिंगल पर्सन शैल हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रोटेशन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस नोटिस, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज्ड टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, लीव सरप्राइज चेक सर, हां एंड सर इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी टेकन फॉर द ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बैंक, करेक्ट? तो जो भी रिस्क है तुम्हारी सब रिस्क के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिए कि नहीं लियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो थेफ्ट है रिस्क ऑफ थेफ्ट है उसी के लिए लियो, बाकी फायर हो सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट तुमने लिया ही नहीं है, सिर्फ थेफ्ट के अगेंस्ट रिस्क लिया है। तुम बोल रहे हो कि हमारी सिटी तो एकदम सेफ है, यहाँ पे कभी ना कोई कैलेमिटी आई है ना कभी आग लगी है, तो सारे ही रिस्क जितने हैं तुमको इंश्योर करने की सबके लिए तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ना कि सिर्फ गिने चुने रिस्क के लिए। फाइनेंशियल पावर देखना तुमको कि जो जितना ग्रेड के हिसाब से जितनी जो पावर है वो अपनी प्रॉपर पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सरप्राइज चेक देख लेना इंटरनल कंट्रोल में होते कि नहीं होते, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर विद इन द कंट्रोल एलिमेंट है कि नहीं ऑफ द सरप्राइज। सिग्नेचर बुक जो तुम्हारी दिख रही है वो तुम्हारे टेलीग्राफिक कोड बुक से टैली होना चाहिए, सिग्नेचर जो तुम्हारी सिग्नेचर बुक में है वो टेलीग्राफिक कोड बुक में टैली होना चाहिए। तो ये सारे कुछ जनरल कंट्रोल से रिलेटेड पॉइंट थे। इसके बाद कैश रिलेटेड पॉइंट्स बोलो, कैश के रिलेटेड अपन ने तीन पॉइंट तो ऐसे याद होंगे तुमको, पिक्चर से चाबी देख के स्ट्रेंजर थिंग्स वाला पॉइंट याद आना चाहिए, टेस्ट चेकिंग प्लस फुल चेकिंग। टेस्ट चेकिंग कब होगा, ओकेशनली की डेली? टेस्ट चेकिंग डेली, टेस्ट चेकिंग डेली, फुल चेकिंग
ओकेजनली फिर बुक्स के साथ बैलेंस जो दिख रहा है वो दोनों मैच होना चाहिए। बुक्स के साथ जो भी तुम्हारा बुक्स के अंदर कैश का बैलेंस दिख रहा है वो तुम्हारा एक्चुअल फिजिकल में जो कैश बैलेंस है वो भी मैच होना चाहिए। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भैया कि जो कैश एक्सेप्ट करे कैश रिसीव करे जो कैशियर है वो तुम्हारा पैसा के अकाउंटिंग नहीं करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जो तुम्हारा कैशियर है जो कैश हैंडल कर रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हैंडल नहीं करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल नहीं करेगा। फिर अपन ने देखा था एक पॉइंट पेमेंट से रिलेटेड था, एक पॉइंट रिसीट से रिलेटेड था, और दूसरा तीसरा पॉइंट तो तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट दोनों से रिलेटेड था। रिसीट एंड पेमेंट में हाई वैल्यू कैश रिसीट एंड पेमेंट के अंदर मेन पॉइंट क्या था कि अगर इन एक्सेस ऑफ द रिटेंशन लिमिट मेरे पास आ गया अगर कैश डिपॉजिट तो मुझे कहां ट्रांसफर करना उसको करेंसी चेस्ट में डाल देंगे। एंड पेमेंट्स रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड क्या था, क्लियरिंग से रिलेटेड चार पॉइंट देखे थे अपन ने, क्या क्या पॉइंट थे क्लियरिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट? एक तो सीटीएस था, जिसमें होता क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंदर। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या रिमूव किया है, क्या चीज को रिमूव कर दिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम? द फिजिकल सब्सटेंस हैज बीन रिमूव्ड इन द या सो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक हैज बीन रिमूव्ड ऑल टुगेदर बाय द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक दूसरे बैंक के पास जाएगा जो पेइंग ब्रांच है उसके पास जाएगा, पेइंग ब्रांच अकॉर्डिंगली ऑथराइज करेगी, चेक करेगी कि हाँ उसी का साइन है सब चीज, एवरीथिंग इज मेंशन इन द चेक एंड देन विल बी पे। पेइंग ब्रांच को प्रेजेंट कौन करेगा? प्रेजेंटिंग ब्रांच विल सेंड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक। इसके अलावा और क्या पॉइंट देखे थे सर? अगर 5 लाख से ऊपर पेमेंट होता है तो वो ईमेल या टेलीफोन करना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर का है तो तुमको कॉल या ईमेल आएगा। तीसरा, अगर अगर चेक वापस होता है तो उसको उसको अगर चेक में कोई भी डेफिशिएंसी आउटवर्ड क्लियरिंग है, चेक पे नहीं कर पाए, अगर अनपेड चेक है तो तुम्हारे पास चेक के लिए वापस से तुमको कस्टमर को बोल देना पड़ेगा। कॉल करोगे तुम और बोलोगे कस्टमर भैया अपना चेक लेके जाओ। ठीक है, या तो सेंड करोगे कस्टमर को या फिर उनको बोलोगे कि इन्फॉर्म देम टू आइदर कलेक्ट द सेम और दे सेंड देम बैक टू द कस्टमर डायरेक्टली। और लास्ट पॉइंट क्या था इसमें? सिग्नेचर वेरीफाई करना चाहिए चेक देने से पहले, सिग्नेचर वेरीफाई करना पास करने से पहले। लायबिलिटी किसकी होगी अगर सिग्नेचर वेरीफाई किए बिना पेमेंट हो गया तो? पेइंग पास करने वाले की, एम्प्लॉय की भी और पेइंग बैंक की भी होगी, दोनों की होगी। पास करने वाले कौन से एम्प्लॉय की? जिस बैंक ने पास किया उसके एम्प्लॉय प्लस बैंक दोनों का होगा। तो पेइंग बैंक की होगी ना अल्टीमेटली, बैंक लायबल होगा। ओवरऑल लायबल बैंक होगा, बैंक फिर इंटरनली देखेगा कि कौन किसको लायबल करना है, एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय को, बट ओवरऑल लायबिलिटी हमेशा किसकी आएगी? पेइंग बैंक की। बिल्स फॉर कलेक्शन में अपन ने फिर देखा था कि ये सारे वो वाले बिल्स है जो अपन इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं समझ लो, तो वो जो भी बिल्स है वो अपन कलेक्ट करेंगे अमाउंट, राइट? सो उसके लिए जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास होना चाहिए। फिर अपने पास जो एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट आएगा, अपना जो क्लाइंट है उसने एक्सपोर्ट किया होगा माल को, सो जो एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर है वो पे करेगा इंडिया में। सो जब वो पे करेगा उसके बाद ही अपन क्लाइंट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट, और तभी करेंगे जब अपने पास पेमेंट आ गया हो, राइट? और इसके अलावा एक और पॉइंट क्या था? अगर तुमने दो बार ट्रांसफर कर दिया, मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन मेरे पास आया था, मैंने कोई और ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, सो अल्टीमेटली वाइल कंसोलिडेशन वाइल एमालगमेशन इट शुड नॉट हैपन कि ट्वाइस एंट्री हो रही है, राइट? एंड देयरफॉर जनरली द रिसीविंग ब्रांच विल रिवर्स द एंट्री, रिसीविंग ब्रांच विल रिवर्स द एंट्री अगेंस्ट सच बिल्स व्हिच हैज रिसीव्ड बाय इट। फिर बिल्स परचेज अपन ने देखा था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या देखा था अपन ने? डॉक्यूमेंट का टाइटल होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, प्रॉपर मार्जिन। बोले तो क्या मार्जिन की बात हो रही है यहाँ पे? मार्जिन का एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए, अगर वो कवर हो जाए। सो मार्जिन मींस हियर व्हाट? कोलैटरल, राइट? कोलेटरल तुम्हारे पास एडिक्वेट कोलेटरल होना चाहिए। 100 रुपए का कोलेटरल होगा अगर तुम्हारे 80 का लोन दे रहे हो, अगर 100 का लोन दे रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई टू हैव 125 का कोलेटरल, 120 का कोलेटरल। इंडिया में क्या सिनेरियो चलता है बता दूं मैं? इंडिया में जनरली यू विल फाइंड इन द केस ऑफ एनबीएफसीज या ऐसे इंडस्ट्री वाइड अलग अलग होता है, बट इन द केस ऑफ एनबीएफसी दे विल गेट द लोन एट 1.1x 1.2x। ठीक है, ये जनरली 1.1x मतलब 100 रुपए का अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मेरे को कोलेटरल देना पड़ेगा 120 110 रुपए का।
सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए प्रॉपरली. जो भी तुम्हारा टाइटल है, टाइटल तुम्हारा वो प्रॉपरली असाइन होना चाहिए. तुमको याद होगा बचपन में बिल ऑफ एक्सचेंज में अपन ऐसे टू करके असाइन कर देते थे और साइन कर देते थे, तो तुमको क्या बोलते थे कि ये नेगोशिएबल ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर हो जाता है इसका, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है. एंड दैट इज हाउ वी यूज टू ट्रांसफर. सो दैट इज वॉट दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो तुम्हारे टाइटल है वो तुम्हारे पास प्रॉपर ट्रांसफर आ गया है कि नहीं आया ये चेक कर लेना. फिर इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड उसको प्रॉपरली अपोर्शन करोगे, राइट? डिस्काउंट जो मेरे को रिसीव हुआ है, अगर मार्च के महीने में डिस्काउंट मेरे को, मैंने बिल डिस्काउंट किया है और वो तीन महीने के लिए, तीन महीने के लिए मैंने मार्च के महीने में डिस्काउंट किया बिल को, और ये बिल डिस्काउंटिंग आफ्टर थ्री मंथ्स कलेक्ट होगा. सो ये जो डिस्काउंट इनकम है, डिस्काउंट इनकम 100 रुपए के बदले मैंने 97 रुपए दिया है, तो 3 रुपए का ये जो डिस्काउंटिंग इनकम मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, वो मैं 1 रुपए इस साल करूंगा और 2 रुपए अगले साल करूंगा. क्यों? क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, आई हैव टू अपोर्शन फाइनेंशियल ईयर वाइज. क्लियर? यस सर. फिर लोन्स एंड एडवांसेस में बताओ फटाफट से पॉइंट. सिक्योरिटी से रिलेटेड अपन ने काफी सारे पॉइंट देखे थे. सिक्योरिटी से सबसे ज्यादा तो पहले तो सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो ऊपर बढ़ सकती है या कम हो सकती है. इसके लिए अपन को सबसे पहले तो एंश्योर करना पड़ेगा कि हमने ड्रॉइंग पावर प्रॉपरली अराइव किया है, ड्रॉइंग पावर प्रॉपरली चेक किया है और सफिशियंट कोलेटरल है अपने पास, सो डेट सिक्योरिटी की वैल्यू आज चल के कम भी हो जाए तो भी हमको लॉस ज्यादा ना हो. हमने सफिशियंट मार्जिन रखा है कोलेटरल में, 100 रुपए के बदले 70 रुपए का ही लोन दिया हुआ है. इसके अलावा डीपी ड्रॉइंग पावर एडजस्टेड होगी, राइट? एंड ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट होगी, लिमिट कैलकुलेशन करोगे. लेकिन डीपी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने, जो नए पॉइंट है. क्या पॉइंट थे बोलो? ड्रॉइंग पावर में क्या एडिशनल टेंपरेरी लिमिट अगर मेरे को चाहिए, ड्रॉइंग पावर मैंने कैलकुलेट किया 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट होना चाहिए और 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. करेक्ट. सो 20% से ज्यादा तुम्हारी एग्जिस्टिंग लिमिट की, 20% से ज्यादा एडिशनल लिमिट नहीं दे सकते हो, और एडिशनल लिमिट दे भी हो तो उसकी जो एडिशनल लिमिट है उसकी मैक्सिमम टेन्योर कितने दिन होगी? 90 डेज ही होगी. 90 डेज. इसके अलावा सिक्योरिटीज क्या तुम्हारी हो सकता है कि तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़े CHG 1, CHG 6, याद है तुमको बचपन में तुम फॉर्म भरते होंगे CHG 1, CHG 6, चार्ज क्रिएटेड. जब चार्ज तुम क्रिएट करते हो तो CHG 1 में क्रिएट करते हो, जो CHG 6 है उसमें जो चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ROC तुमको इन्फॉर्म करती है. तो CHG 1, CHG 6 जो भी तुमको रिक्वायरमेंट है वो बैंक रिक्वायरमेंट कर रही है ना सिक्योरिटी रिसीट, अगर तुमको चार्ज को क्रिएट करना है, चार्ज को रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करना है तो. एंड इसके अलावा जॉइंट कस्टडी होनी चाहिए, अगेन स्ट्रेंजर थिंग्स वाला पॉइंट जो था. एंड सिक्योरिटी की पोजीशन किसके पास है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे चेकिंग करेंगे. अगर ये हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन के केस में बैंक के पास तो सिक्योरिटी की पोजीशन नहीं होती है, एंड देयरफॉर बैंक के केस में सिक्योरिटी की पोजीशन सरप्राइज विल बी डन, सरप्राइज ऑडिट नीड टू बी डन, राइट राघव? करेक्ट. एंड बैंक के पास अगर पोजीशन है तो टेस्ट चेक करेगा, टेस्ट चेक बीच-बीच में करते जाना, ठीक है? टेस्ट चेक बीच-बीच में करते जाना. इसके अलावा अपन ने देखा था क्रेडिट वर्दीनेस, देखोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को रिसीव हो गए या नहीं हुए वो भी चेक कर लेना. अगर मेरी सैंक्शनिंग लिमिट के ऊपर मैंने एडवांस लोन्स एंड एडवांस दे दिया है तो डेट शुड आल्सो बी रेगुलराइज्ड, एंड ऑपरेशन इन ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर, वंस एवरी ईयर. डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर अपन ने 3 पॉइंट देखा था, क्या कहते सिग्नेचर फोटो से याद आना चाहिए, सिग्नेचर जो तुम्हारा टेलीग्राफी कोड बुक और ये सिग्नेचर बुक से मैच होना चाहिए. सारी डीडी जो है वो इश्यू हो चुका है. सो सारी डीडी जो इश्यू हुई है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिल जाना चाहिए? डीडी जो तुमने सेल किया है, जो इश्यू किया है उसके लिए तुमको क्या मिल जाना चाहिए? एडवाइस, कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट, राइट? एडवाइस मिल जाना चाहिए. तुमने जितना भी डीडी इशू किया कंसाइज करो उसको कि डीडी इशूड हैज बीन, देन योर एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है? जिसको अपन क्या बोलते हैं एडवाइस. और अगर नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्या करोगे? दिख रहा है इमीडिएट स्टेप लेंगे. सो इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू करेक्ट द एक्शन, रेक्टिफाई द व्हाटएवर देयर इज सम लैक्यून. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन मुझे बताओ अच्छे से. क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन कौन बताएगा मुझको? श्रुति, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन बताओ. श्रुति, श्रुति अपने पास दो श्रुति है, एक ग्रीन श्रुति और एक ऑरेंज श्रुति. दोनों ही श्रुति अग्रवाल है, बोलो दोनों में से कोई एक तो बोलो. बोलो बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो करोगे कैसे आगे?
रिवाइज कर रहे अपन, ट्राई टू पार्टिसिपेट, याद रहे के पॉइंट्स। इन लोन्स एंड एडवांसेस दिस मैक्सिमम लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड, एडिशनल लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 20%, दैट 90 डेज इज फॉर रीपेमेंट राइट या मैच्योरिटी, टेनर, टेनर जो होगा तुम्हारा वो 90 डेज। सो विद इन 90 डेज द एडिशनल लिमिट व्हाटएवर 20% हैज बीन इंक्रीज्ड दैट शुड बी रीपेड। या यू कैन से लाइक दैट, और यू कैन से कि हमारा वापस से ड्रॉइंग पावर उतना बैक टू नॉर्मल, जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी, एग्जिस्टिंग ड्रॉइंग पावर था, उतने में ही आ जाना चाहिए। तो जो तुमने ड्रॉइंग पावर के ऊपर जो भी लिमिट दी थी वो लिमिट मेरी रेगुलराइज होगी। रेगुलराइज कैसे होगी? जैसे तुमने बोला लाइक द वे यू सेड कि इट हैज टू बी रीपेड इन द मैच्योरिटी पीरियड। ओके ओके ठीक है, तो बोलो फटाफट से क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के क्या क्या पॉइंट देखे थे अपन ने, इफेक्टिव स्कीम। मैं बोलूं? यस यस सर, सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएगा, देन एप्लीकेशन शुड बी स्क्रूटनाइज्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नंबर 1। बेसिस ऑफ मेरिट अगर जब एप्लीकेशन, या बेसिकली द असेसमेंट शुड बी, I think the assessment should be good in releasing the card, number one, credit card, issuing the credit card. Number two, storage of the card, that the storage of card should be in a secured manner, should be kept in a secured manner. ठीक है, उसके बाद merchant को जो जो merchant से जहाँ पे swiping होता है तो उसका report proper आना चाहिए। उसके बाद उसका सेटलमेंट होता है, वो अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर उसको क्रेडिट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जो जिस बंदे ने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है उसका 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 स्टेटमेंट प्रॉपरली जाना चाहिए, और पेमेंट की रिकवरी के बारे में टाइमली देखना चाहिए, और अगर पेमेंट टाइम पे नहीं आया तो उसको फिर चार्जेस लगना चाहिए और इंटरेस्ट लगना चाहिए। चार्जेस इंटरेस्ट तो लगते ही है वो, और प्लस तुमको ये भी एंश्योर करना पड़ेगा कि इफ इट इज डिफॉल्टिंग देन यू हैव टू स्टॉप द पेमेंट राइट। सो उसका क्रेडिट कार्ड स्टॉप हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी पेमेंट्स दैट ही कैन मेक फ्रॉम हिज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो मोटा माटी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, रिकलेक्ट ऑल दिस क्लिक्स, यू विल ट्राई टू फॉलो ऑल द पॉइंट्स। फॉलो अप करोगे अगर तुम प्रॉपरली, मतलब अगर वो पेमेंट करना भूल गया ऑन ड्यू डेट से, यू हैव टू फॉलो अप, एंड इफ आफ्टर प्रॉपरली फॉलोइंग अप देन आल्सो ही इज नॉट रिपेइंग देन स्टॉप द क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स फ्रॉम हिज कार्ड। सर ये आपका ना ये पिक्टोरियल पिक्टोरियल बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन हमारे पास बुक अभी आई नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। बुक अभी तक नहीं आई है? नहीं अभी, अगर आज अभी तो अभी आ जाओ सीआरआर एसएलआर में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली सीआरआर। तो ठीक है, सीआरआर की रिक्वायरमेंट अपन ने देखा था कि शेड्यूल्ड बैंक है तो आरबीआई एक्ट के तहत सीआरआर की रिक्वायरमेंट गवर्न करना है, और बाकी बैंक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तुमको जो सीआरआर बोल रहे हैं वो गवर्न करना है उसके अकॉर्डिंगली। और मैं बता दूं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी जो आरबीआई एक्ट बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सीआरआर बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी। अपन ने इसमें देखना क्या था, एसएलआर इंपॉर्टेंट, एसएलआर तुमको देखना है कि एसएलआर क्या होता है भैया, कि कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट अपन को एज अ बैंक विद इन द बैंक रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज गोल्ड, सच एज कैश, सच एज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी लाइक एग्जाम्पल टी बिल्स, टी बॉन्ड्स। सो ये जो लिक्विड टी बॉन्ड्स नहीं आएंगे, पर्टिकुलरली टी बॉन्ड्स तो लॉन्ग टर्म होते हैं, टी बिल्स ट्रेजरी बिल्स आएंगे। सो ये सारे जो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट सिक्योरिटीज है तुम्हारी, ये तुमको अपने पास रखना है 18% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, 18% जो अभी करेंटली एसएलआर चल रहा है। लेकिन इसमें एज एन ऑडिटर अपन को क्या इंश्योर करना है कि एज एन ऑडिटर वी हैव टू वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ द एसएलआर रिक्वायरमेंट की बाय द बैंक वेदर दे हैव कंप्लाइड विद ऑल द एसएलआर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। वी विल पिक अप 12 ऑड डेट्स, वी विल पिक अप 12 ऑड डेट्स इन डिफरेंट मंथ, मतलब 12 महीनों में 12 ऑड डेट्स कलेक्ट करोगे। लेकिन मैंने बताया कौन सा दिन सिलेक्ट नहीं करेंगे अपन, फ्राइडे 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 नहीं सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फ्राइडे को मैंने बताया बहुत काम रहता है, ऐसे ही एम्प्लॉई थोड़ा शांत दिमाग में रहता है, तुम उसको जाके टेंशन में मत डाल देना कि मेरे को फटाफट से 12 ऑड डेट्स का या फिर इस महीने का एसएलआर की रिक्वायरमेंट का टोटल डिपॉजिट डीटीएल निकाल के दो, डीटीएल निकाल के दो और तुमने कितना एसएलआर लिखा है, तो उसके लिए ऊपर जबरदस्ती काम मत बढ़ा देना। ऑडिट अप्रोच अपन ने फिर देखा था इसमें कि क्या क्या इंक्लूड होगा डीटीएल में, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में। सो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में अपन ने सबसे पहले देखा कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सो बिल्ड अप कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा, रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इंक्लूड नहीं होगा, लोन अगर तुमने आरबीआई से लोन लिया हुआ है, रेपो ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं अपन, आरबीआई से जो तुमने लोन लिया हुआ है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तुमने लोन लिया हुआ है एक्सिम बैंक, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नाबार्ड, ये सब से लोन लिया हुआ है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा अगर तुमने ऑलरेडी किसी अकाउंट को बैड डेट्स रिकवर कर दिया था, अब तुमको वहां से पैसा मिल रहा है तो ये पैसा भी तुम डिटेल में इंक्लूड मत कर देना, ये तो बैड डेट्स रिकवरी है, बैड डेट्स रिकवरी है, इसको तुम इंक्लूड मत कर देना। इसके अलावा इंपोर्ट बिल से रिलेटेड जो भी पैसा मिल रहा है इंपोर्ट बिल्स के कारण, वो भी पैसा तुम्हारा क्लाइंट का पैसा, वो तुमको क्लाइंट को क्रेडिट करना है एनी वे,
तो वो भी तुमको इंक्लूड नहीं करना है। एंड लास्टली अनएडजस्टेड डिपॉजिट अपन ने देखा था फॉर एजेंसी बिजनेस, मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सेंट्रल डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी में भी अपन ने देखा था कि जो तुमको मार्जिन मिल रहा है, कोलेट्रल मिल रहा है, ये भी इंक्लूड नहीं करोगे, ये भी इंक्लूड नहीं करोगे। और एजेंसी बिजनेस में क्या देखे थे अपने, डिविडेंड फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक को अपॉइंट किया गया कि डिविडेंड कलेक्शन के लिए, या फिर शेयर मनी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसका अलॉटमेंट अगर नहीं होता तो रिफंड करना। तो ये सब जो एजेंसी बिजनेस है जो बैंक करती है, इसमें भी पैसा आता है अगर बैंक के पास, तो ये पैसे को भी तुमको डीटीएल में इंक्लूड नहीं करना है। ऑब्वियसली लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, बट अपन को ये भी एंश्योर करने की क्या क्या इंक्लूड करना है डिटेल में। सो इसमें अपन ने देखा था कि अगर तुम्हारा ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब मेरे को किसी ब्रांच को लेना दिख रहा है, देना 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 मेरे को दिख रहा है कि मेरे को कोई ब्रांच को देना है, तो ये देना तुम्हारे एसएलआर रिक्वायरमेंट में इंक्लूड होगा। फॉर डेट ब्रांच एसएलआर रिक्वायरमेंट में ये देना तुम्हारा इंक्लूड करना पड़ेगा डिटेल के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक बोलता हूं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अगर उठा के रखी है, तो ये तुम्हारा डीटीएल में इंक्लूड होगा, लेकिन तुमको एश्योर ये करें कि जो ईसीबी है तुम्हारा, ये नेट ऑफ नहीं होगा। अनलाइक अदर बोरिंग्स विद इन दी कंट्री, अगर जैसे पीएनबी अगर तुम्हारा एसबीआई को लोन देती और एसबीआई से लोन ले भी लेती, तो वो नेट ऑफ करके दिखा सकती, लेकिन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में ये पॉसिबल नहीं है, उसको ग्रॉस लेवल पे ही दिखाना पड़ेगा। प्लस अपन ने देखा था नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन वगैरह, ये भी अगर तुम्हारा दिख रहा है कि नोस्ट्रो अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस रखा हुआ है किसी और के पास, मतलब या उसका बैलेंस किसी और के पास, किसी और का बैलेंस सॉरी मेरे पास रखा हुआ है, सो इन दैट केस ऑल्सो डेट विल बी इंक्लूडेड इन डीटीएल कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट अक्रूड, लेकिन ये अकाउंट फॉर नहीं किया गया अभी तक, बिकॉज की इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करने की बारी अभी तक आई नहीं है, राइट। इंटरेस्ट बस अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ है। इंटरेस्ट अक्रू मतलब हर दिन इंटरेस्ट तो अक्रू होगा, लेकिन ड्यू सपोज 3 महीने होता है, 6 महीने होता है, 6 माही, 3 माही, क्वार्टरली, वॉट एवर बी इट द केस, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली। सो इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ है लेकिन अक्रू हो गया ना, सो देन ऑल्सो यू शुड इंक्लूड इट इन डीटीएल कैलकुलेशन। किसी को सर मेरे को एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछ रहा था आपसे, जो ईएफसी अकाउंट होता है वो भी एक्सक्लूजन में आएगा या इंक्लूजन में आएगा? ईएफसी मतलब एक्सटर्नल, तो वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वाले ना, ये तो डिपॉजिट होते जो, तुम्हारे हाँ जो आपने इंपोर्ट बिल तो बोला ना उसको एक्सक्लूड करने के लिए, तो ईएफसी अकाउंट उसी में आता है इंपोर्ट बिल्स, बट तुम्हारे अलग से जो अमाउंट तुमको मिलेगा ना, मतलब कलेक्शन करने के लिए एज अ सिक्योरिटी वाइज मिलता है वो ईएफसी में, तो तुम्हारे जब वो अमाउंट मिल जाता है पैसा, फिर उसके बाद तो अपन उसको ट्रांसफर करते हो ईएफसी अकाउंट में, मतलब एज अ बैंक तुम्हारे एस्क्रो के पास आता है, फिर तुम उसको ईएफसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। यस सर, वो तो एज अ डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है तुम्हारे पास। ओके राइट, लेकिन जो एक सिक्योरिटी अमाउंट जो तुमको मिलेगा अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स, वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है। राइट सर, वो जो पेमेंट आ रहा है वो तो अलग हो गया। राइट सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अपन ने देखा था फिर सारे एसेट्स से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें मेरे को फटाफट से बताते जाओ, बैलेंस विद आरबीआई में अपन ने क्या क्या देखा था, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, 40 मिनट्स। सीआरओ बोले तो कैश ट्रांजैक्शंस जो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं हुए हैं। कैश ट्रांजैक्शन अगर तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो बैलेंस विद आरबीआई में ये सबसे पहले तो चेक करो कि कोई कैश ट्रांजैक्शन है जो रिमेन अनरिस्पॉन्डेड है, मतलब क्वेरी है और कोई इसको ट्रांजेक्शन को अपने रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ है प्रॉपरली, तो उस पे पर्टिकुलरली अटेंशन जाना चाहिए ऑडिटर का। फिर कोई रेवेन्यू आइटम्स है जो जिसको कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, राइट ऑफ करना है, करेक्ट। एंड ओ से अदर क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था लेकिन, अनरिस्पॉन्डेड 15 दिन से ज्यादा तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है सो दैट has to be then particularly paid attention, right? इसके अलावा ledger balance तो तुम check करोगे, bank information, BRS वगैरह लोगे ही लोगे, right? फिर other banks में अपन ने देखा था जो suppose SBI का PNB के साथ है, या SBI का Federal Bank के साथ है, SBI का UCO के साथ है, तो किसी के भी साथ है other than RBI, इसके केस में अपन ने क्या देखा था कि भैया इंटरेस्ट मेरा जो है वो कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, क्या मेरे को कोई इंटरेस्ट पटाना है क्या SBI को, क्या मेरे को कोई चेक का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है क्या, चेक पटाना है क्या, समझ लो, इंटरेस्ट पटाना है क्या, चेक पटाना है क्या, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है क्या, चेक आउटस्टैंडिंग है क्या, इसके अलावा क्या बिल आउटस्टेशन चेक्स ये सब भी आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है क्या। सो ये तुम एक बार याद कर लो, आईबीसी या जैसा भी तुम याद करना कर लो, बट यू नीड टू एंश्योर कि अगर ये आ गया तो तुम्हारे 4 नंबर लूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, तुम लिखोगे 4 नंबर झट से मिल जाएंगे, 4 पॉइंट लिखना है और सीधा सीधा 4 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले बोलते हैं कि कोई चार्जेस या इंटरेस्ट या क्रेडिट है ये आउटस्टैंडिंग है अगर, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा कोई भी चेक जो तुमने सेंड किया या रिसीव किया है इन क्लियरिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बिल या आउटस्टेशन चेक जो होगा तुम्हारा फॉर कलेक्शन,
ये भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और लार्ज ट्रांजेक्शन को तुमको एग्जामिन करना है, पर्टिकुलरली इन इंटर बैंक अकाउंट। इंटर बैंक अकाउंट मतलब SBI का अकाउंट अगर PNB के साथ है तो ये सारे अकाउंट ओपन क्या बोलते हैं, इंटर बैंक अकाउंट। ये तुमको एग्जामिन करना है लार्ज बैंक, एंश्योर करने की कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो जिसके कारण तुमको लग रहा है कि ये विंडो ड्रेसिंग किया जा रहा है। मतलब इंटर बैंक ही हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, जानबूझ के बढ़ा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, सो डेट वी कैन मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट शुड नॉट हैपन, विंडो ड्रेसिंग शुड बी अवॉइडेड, बैलेंस विद अदर बैंक के अंदर, ये सारे पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुमको अगर करना है तो एक ऐसा भी कर सकते हो, इसको याद रखने के लिए एक विंडो बना लो बढ़िया। ठीक है, और विंडो बना के तुमको क्या दिखेगा, IBC। बढ़िया, तुम यहाँ पे IBC पढ़ रहे हो अपना बैठ के, IBC चैप्टर पढ़ लियो क्या तुम लोग, IBC चैप्टर पढ़ लियो। IBC, IBC बोले तो आई से इंटरेस्ट, बी से एंड सी से चेक। ठीक है, फिर अपन ने देखा था मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में क्या था, रेट इन नेट, रेट इन नेट, राइट, रेट इन नेट याद है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बोलो बोलो यस सर, क्या था रेट इन नेट, आर से रिपेमेंट रिसीव्ड। रिपेमेंट रिसीव्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे धनलक्ष्मी, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, रिपेमेंट रिसीव्ड हो गया कि ये क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पे अपन, वो बोरिंग बैंक से वेरीफाई करने के लिए। क्या वेरीफाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं अपन, रिपेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक क्यों कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यही तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कब से कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस क्योंकि पॉइंट इज एकदम कमिंग इन ईच एंड एवरी टॉपिक, तब जाके रिटेन रहेगा। क्यों कर रहे हैं अपन रिपेमेंट रिसीव्ड यहाँ पे चेक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एनीवन? सर 31 मार्च को अगर कितना इनकम होगा रिकॉग्नाइज करने के लिए। इनकम नहीं, बैलेंस जो तुम्हारा 31 मार्च को दिख रहा है, मैंने बताया था तुमको मेन फीचर ऑफ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या था, मेन फीचर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट देते टर्म, हैं, शॉर्ट सो टाइम शॉर्ट के टर्म के लिए लिए अगर, सो डेफिनेटली इट फ्रॉड कैन नाउ ऑल्सो बी मतलब। फॉर आवर्स, इट कैन फॉर फ्यू डेज ऑल्सो, राइट? सो जनरली 31 मार्च को जो भी आउटस्टैंडिंग है डेट यू विल फाइंड कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में उसका रिपेमेंट आ चुका है वापस, जनरली यू विल फाइंड दैट। एंड व्हेन यू चेक दिस वंस, एक बार तुमने ये चेक कर लिया कि 31 मार्च को इतना इतना बैलेंस था मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस फ्रॉम दिस 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 बैंक, सो वी विल चेक कि ये बैंक से पैसा आ गया क्या 5, 7, 10 दिन में जब भी होना था। सो अगर आ गया मतलब यस दैट वॉज देयर ना, बैलेंस वॉज देयर एज ऑन 31 मार्च, सो वी आर एक्चुअली वेरीफाइंग कि 31 मार्च में जो बैलेंस है वो ट्रू है, करेक्ट है कि नहीं है। सो रिपेमेंट रिसीव्ड तुम देखोगे बोरिंग बैंक से टू वेरीफाई कि अमाउंट जो शोर है वो करेक्ट है कि नहीं है। फिर रेट, रेट का ए से क्या था उसके बाद, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, आइदर जनरल या स्पेसिफिक, बट शुड बी ऑथराइज। जनरल या स्पेसिफिक मतलब क्या होता है तुम्हारा, जनरल ऑथराइजेशन मीन्स, एंड व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक ऑथराइजेशन, बोलो भाई, सिंपल है। जनरल मतलब कुछ लिमिट तक लाइक अलाउड है, कुछ स्पेसिफिक किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। करेक्ट, स्पेसिफिक में कुछ एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अपन सो ऑथराइज स्पेसिफिक करेंगे। विल बी लाइक फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू आर कैरिंग आउट फॉर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस यू विल रिक्वायर द अप्रूवल। जनरल विल बी लाइक अप टू अ सर्टेन लिमिट यू हैव द अथॉरिटी कि यस यू कैन अंडरटेक द ट्रांजैक्शन एट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। फिर इसके अलावा ए के बाद टी से क्या था, टैली, टैली क्या करना है, RAT। हाँ टैली क्या करना है, लेजर अकाउंट्स को टैली करना है रजिस्टर के साथ। सो लेजर अकाउंट को तुम टैली कर लेना, ठीक है, जो तुम्हारा दिख रहा है। एंड इसके बाद अपन ने देखा था रेट इन नेट, इन बोले तो इंटरेस्ट हैज बीन प्रॉपर्ली अक्रूड एंड अकाउंटेड इंटरेस्ट हैज फॉर। बीन प्रॉपर्ली अक्रूड एंड अकाउंटेड फॉर, राइट?
एंटी नेट नेट से अपना था, नेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, नेट ऑफ अलाउड है क्या? नेट ऑफ मीन्स नेट ऑफ, नेट ऑफ अलाउड है कि नहीं? मीन्स अगर मैंने नहीं आरबीआई आरबीआई बोलता सॉरी एसबीआई ने सपोज पीएनबी को कॉल मनी दिया हुआ है और कुछ कॉल मनी लिया हुआ भी है 2-4 दिन बाद, तो क्या मैं नेट ऑफ करके शो कर सकता हूँ क्या? नहीं नेट ऑफ करके शो कर सकता हूँ क्या एवरीवन? यस और नो? नहीं नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता हूँ मैं नेट ऑफ करके शो नहीं कर सकता हूँ। ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है? तो छोटे छोटे पॉइंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तुमको बोलेगा एग्जाम में एमसीक्यू देगा कि बैंक इज शोइंग, बैंक इज ट्राइंग टू नेट ऑफ द कॉल मनी दैट इट हैज रिसीव्ड एंड इट हैज गिवन, सो ऑडिटर इज बट डिनाइंग द फैक्ट कि नेट ऑफ इज नॉट अलाउड। तो तुमको देगा कि नेट ऑफ अलाउड, ऑप्शन में बोलेगा कि मैनेजमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी में बोलेगा बैंक ऑडिटर इज करेक्ट, ऑप्शन सी में बोलेगा कि दे ऑल्सो हैव टू कुछ कुछ और बोलेगा कि नेट ऑफ करके नहीं, तुमको ऐसा करना चाहिए था कि रीपे करना चाहिए था पहले, फिर तुमको लोन लेना चाहिए था, कुछ भी अपने मन से ऑप्शन बना सकते, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यू विल डेफिनेटली पिक द करेक्ट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट में अपन ने तुमको बोला था होमवर्क फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या तुमने देख लिया सबने? होमवर्क तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? सबसे पहले तो ये बता दो, आज का रिवीजन को देखते हुए लग नहीं रहे कोई होमवर्क किया है, क्योंकि रिवाइज ही नहीं दिख रहा किसी का। होमवर्क मैंने क्या क्या दिया था, नीचे आ जाओ होमवर्क में। फिक्स्ड एसेट और अदर एसेट्स मैंने पढ़ने बोला था, फिक्स्ड एसेट पढ़ के आए हो? होल्डिंग पीरियड कितना है फिक्स्ड एसेट का? अगर तुम मान लो कोई क्लेम्स, कोई क्लेम में मान लो मैंने तुमको प्रॉपर्टी लोन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लोन दिया हुआ है मैंने तुमको, एंड एग्जांपल तुम लोन मेरे को रिपे नहीं कर रहे हो, तो मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, मैंने तुम्हारा क्लेम एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी को उठा लिया, एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम अगेंस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ लोन्स, सो ये जो मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है इसका होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 ईयर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? वैष्णवी वगैरह बाकी लोग करके आओ कि नहीं रिवाइज? ये तो होमवर्क था, 7 ईयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, सेक्शन 9 में दिया हुआ है क्या कि अगर मैंने तुमको लोन दिया अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी मैंने ही बाद में एक्वायर कर ली, सो इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम अगर तुम लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो, सो ये जो प्रॉपर्टी है मैं मैक्सिमम 7 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, 7 साल के बाद अगर मेरे को होल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 7 साल के बाद भी अगर होल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस मेरे को उसको ओन यूज में लेके आना पड़ेगा। ओन यूज मतलब वो प्रॉपर्टी अब बैंक खुद उस पर्पज, खुद के पर्पज के लिए यूज करेगी, बैंक या तो नया ब्रांच डाल दे वहाँ पे या बैंक कुछ और यूज के लिए, अपने यूज के लिए यूज करे, बट बैंक अगर अपने यूज के लिए यूज करना चाह रही है तभी वो 7 साल के ऊपर करेगी, वरना उसको बेचना पड़ेगा। पर्टिकुलरली यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो समटाइम्स कि यू गॉट द प्रॉपर्टी इन वेरी लो प्राइस फ्रॉम द बैंक, बैंक से कई लोग को प्रॉपर्टी मिल जाती कम दाम पे कई बार, क्योंकि बैंक को अपना होल्डिंग पीरियड से ब्रीच ना हो उसको बेचने के लिए बेचना पड़ता है कभी भी कम दाम पे भी कई बार, ठीक है? एंड एनी वे बैंक इज नॉट यू नो एसोसिएटेड विद प्रॉफिट कि इसमें मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। इफ बैंक इज गेटिंग देयर प्रिंसिपल अमाउंट बैक, सो प्रिंसिपल अमाउंट जितना मिल जाए उनको उतना खुश है, और यू कैन ऑल्सो बाय द प्रॉपर्टी, अगर सुना होगा तुमने। सो फिक्स्ड एसेट में देखो ये सारे पॉइंट्स थे, फिक्स्ड एसेट में ये सारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, जैसे ये सेक्शन 9 वाला पॉइंट था कि दे कैन नॉट होल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं, दैट इज वेदर एक्वायर्ड बाय वे ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज, अगर ओन यूज के लिए कर रहे हो तो चल जाएगा, वरना 7 साल के ऊपर नहीं रख सकते हो। क्लियर है क्या? इसके अलावा अदर एसेट्स में मेरे को बताओ, अदर एसेट्स में मेरे को बताओ तुम लोग फटाफट से कि तुमने अगर एसेट एक्वायर किया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स, तो तुम किस वैल्यू में रिकॉग्नाइज करोगे इस एसेट को? ये तो तुमने एसेट एक्वायर किया ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या वैल्यू पे आएगा, किस वैल्यू में रिकॉग्नाइज करोगे? बुक वैल्यू ऑफ एसेट और एनआरवी ऑफ एसेट क्या होता है? बुक पे तो है नहीं तुम्हारे, एट कॉस्ट क्या होता है? एट कॉस्ट नहीं होगा, एट कॉस्ट क्या होता है भाई? एनआरवी ऑफ ये एसेट तो तुम एक्वायर कर रहे हो ना, हाँ, जिसके अगेंस्ट कर रहे हो, क्या किसके अगेंस्ट कर रहे हो, क्लियरली बोलो पूरा पूरा। एनआरवी ऑफ एसेट मतलब ये जो एसेट एक्वायर किया तुमने, मान लो ये प्रॉपर्टी है जो भी है, ये भी जो भी तुमने प्रॉपर्टी एक्वायर की,
या कुछ भी तुमने अदर एसेट्स को एक्वायर किया, सपोज जो व्हीकल ले रहे थे वो व्हीकल का लोन सामने वाला नहीं दे रहा है, सो व्हीकल को उठा के लेके आ गए, व्हीकल तुम्हारी हो गई अब, व्हीकल एक्वायर कर लिया, सो व्हीकल की जो एनआरवी है या तो वो, या फिर क्या बोल रहे हो तुम लोग, कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, एट कॉस्ट जो तुम बोल रहे थे, एडवांस, एडवांस की बुक वैल्यू से, एडवांस की जो बुक वैल्यू, तुम्हारे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो तुमको नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ये जो तुमको नहीं मिला है, ये विच एवर इज लोअर, ये वैल्यू पे तुमको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट की वैल्यूएशन होगा जो तुम्हारे बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा, ये जो एसेट आ रहा है तुम्हारे बुक्स में, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज एट द रेट ऑफ एनआरवी ऑफ द एसेट और बुक वैल्यू ऑफ द एडवांस विच हैज बीन ग्रांटेड, विच एवर इज लोअर। सो ये सारे की छोटे मोटे पॉइंट्स है, आई टोल्ड यू कि मैं पूछूंगा कल, ये छोटे मोटे पॉइंट्स देख के रखो, मैंने मार्क भी किया हुआ है इसको रेड मार्क, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। होल्डिंग पीरियड तुमको इंश्योर करने की तुम सेटिस्फाई कर रहे हो, होल्डिंग पीरियड कितना था अपना, 7 ईयर्स, बाकी सारे पॉइंट्स देख ले, देख सकते हो तुम लोग। पूजा तुम जो बोल रहे थे वैल्यू एट कॉस्ट, वो ये है, एंश्योर दैट इट इंक्लूड्स ओनली एक्सेप्शनल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी लाइक बल्क परचेस, अगर तुमने किया सिक्योरिटी पेपर का, विच इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द टाइम, सो तुमने बहुत ही ज्यादा स्टेशनरी एक्वायर कर ली एक बार में, तो तुम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, मतलब तुमने एक साथ बहुत ज्यादा स्टेशनरी एक्वायर कर लिया, वो तुम्हारी सालों साल काम आएगी, एक डेढ़ दो साल काम आएगी, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम इसको एसेट दिखा दो, अदर एसेट में डाल दो और थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाना, लेकिन तुम छोटी मोटी स्टेशनरी जो लेते हो वो तो तुम डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालोगे, लेकिन बड़ी एक बार में बल्क परचेस की हो तो उसको अदर एसेट में दिखा देना, एंड वो अदर एसेट में तुम किस में दिखाओगे, एट कॉस्ट, जो भी तुम्हारी कॉस्ट है वैल्यू एट कॉस्ट दिखाओगे, ठीक है, अदर एसेट में हर टाइम कॉस्ट पे ही दिखेगा वो, और इसका डेप्रिसिएशन राइट ऑफ तुम धीरे धीरे करते जाना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये अपना बचा था, अभी एनपी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एडवांसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडवांसेस में अपन ने देखा था क्या कि थर्ड शेड्यूल ऑफ एडवांसेस में तीन तीन बार में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो था नेचर ऑफ एडवांस, कि नेचर ऑफ एडवांस क्या है, कि सीसी है, टर्म लोन है, ओडी है, बिल सेविंग्स है, करेंट अकाउंट है, ये नेचर ऑफ एडवांस जो है, जनरली यू विल ओपन अ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, यू विल फाइंड कि शेड्यूल 9 एडवांसेस में तुमको दिखेगा करंट अकाउंट कितना है, सेविंग अकाउंट कितना है, टर्म डिपॉजिट कितना है और एक अदर डिपॉजिट्स कितने हैं, ये चार चार तुमको कैटेगरी दिखेगी। इसके अलावा जस्ट उसके नीचे फिर से तुमको टैली दिखेगा कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बाइफर्केशन, और फिर उसके नीचे दिखेगा कि इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये बाइफर्केशन। तो यही तीन तुमको बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 अपने एडवांसेस में अपन ये दिखाते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड पॉइंट, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, इसमें अपन ने देखा था एसएमए 1 एसएमए 2 में जाना चाहिए तुम्हारा, अगर कोई तुमको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अकाउंट है और ये एनपीए में स्लिप हो सकता है, स्लिपेज इनटू एनपीए, फ्रेश स्लिपेज, जो भी तुमको लग रहा है कि आशंकाएं हैं फ्रेश स्लिपेज होने की, तो उसको एसएमए 1 एसएमए 2 में कैटेगराइज करोगे, राइट। सिमिलरली अपन ने देखा था कि एक एमसीक्यू जो आया था, अरविंद ने बताया था कि ये अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू आया था सर, क्या कि एडवांस स्लिप हो गया विद इन 12 मंथ्स ऑफ सैंक्शनिंग, सैंक्शन करते ही एडवांस स्लिप हो गया एनपीए में, एनपीए में स्लिप होते स्लिपेज होना विद इन 12 मंथ्स ऑफ द सैंक्शनिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अर्ली मॉर्टेलिटी केस, क्विक मॉर्टेलिटी केस, राइट। फिर रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस के कुछ पॉइंट्स थे, उसके बाद अपन ने देखा था एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। तो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस में सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला था कि भैया डेट ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन दैट बेसिस ओनली डेट ऑफ क्लासिफिकेशन से तुम्हारा प्रोविजनिंग डिटरमाइन होगी, तुम्हारा फर्दर क्लासिफिकेशन डिटरमाइन होगा, क्या तुमको एनपीए की जो इनकम है वो रिकॉग्नाइज करनी है कि नहीं रिकॉग्नाइज करनी है, ये रिकॉग्नाइज ये डिसाइड होगा। सिमिलरली अगर तुमने रेगुलराइज कर दिया नियर बैलेंस शीट डेट, अकाउंट्स दैट हैज बीन रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, तो तुमको ये देखना कि ये जो घर का भूला भूला है कि देर घर का बुला क्या बोलते हैं उसको, घर का बुला बुला नहीं है, अगर वो क्या बोला चारों में घर का बुला क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, घर का बुला को बुला नहीं कहते, अगर वो बुला वापस आ जाए, ठीक है। सो अगर वो वापस आ गया है तो उसको बुला नहीं कहेंगे, अगर वो जेन्युइन सोर्स ऑफ पेमेंट है, अगर वो जो पेमेंट उसने किया है जो फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ द अकाउंट, वो अगर जेन्युइन सोर्स ऑफ पेमेंट है, सो दैट विल नॉट क्लासीफाई इट एज एनपीए। हाउएवर इफ इट डजंट सीम टू बी अ जेन्युइन सोर्स, मतलब हो सकता है कि उसने पेमेंट किया और जस्ट आफ्टर द पेमेंट 5-10 दिन बाद बैंक ने वापस से उसको लोन दे दिया, या उसने कहीं और से पेमेंट किया है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया हुआ है, इनहेरेंट वीकनेस अभी भी दिख रही है अगर, तो इन दैट केस बैंक विल अगेन ट्राई टू कैटेगराइज इट एज एनपीए ओनली इवन एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। एंड इसके अलावा तुमको सारे स्टैंडर्ड अकाउंट को रिव्यू करना होता है एट द बैलेंस शीट डेट, और डेट ऑफ एनपीए सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टू डिटरमाइन दिस क्लासिफिकेशन एंड ऑल। इसके बाद अपन ने देखा था ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन में 3-4-5-6 पॉइंट दिए हुए थे, क्या क्या पॉइंट थे ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन में, बोलते जाओ जल्दी, बोलो 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 बोलो, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन में क्या क्या पॉइंट थे,
कि भैया ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन कैसी होगी। गाइडलाइन में दिया रहेगा कि तुमको एसेट अकाउंट रिसीवेबल को 60% देना है, इन्वेंट्री को 60% देना है, क्रेडिटर्स को 75% देना है वेटेज, राइट। सो ये सब गाइडलाइन में दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली देन यू विल बी कैलकुलेटिंग योर ड्रॉइंग पावर। सेकेंडली अब जो एक एक कंपोनेंट है उसके अंदर डिग इन करोगे कि भैया डेटर्स है तो डेटर्स में क्या वैल्यू लूंगा, नेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। डू यू रिमेंबर, बिल डिस्काउंटेड जो ऑलरेडी हो गया वो मेरे को नेट ऑफ करके लेना है, मतलब बिल डिस्काउंटेड ऑलरेडी हो गया तो मेरे को उसको लेस करना है, देन डेट नेट वैल्यू आई विल टेक एज डेटर। सिमिलरली स्टॉक में मेरे को क्या लेना है, स्टॉक में मेरे को वो सारे स्टॉक नहीं लेने जो कि अभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी के रूप में दिख रहे हैं अभी भी, ठीक है। स्टॉक्स में वो सारे स्टॉक मेरे को इंक्लूड नहीं करने जो डिक्लेयर स्टॉक्स है, डिक्लेयर स्टॉक है लेकिन अपने पास स्टॉक नहीं है एक्चुअल में। और इसके अलावा क्या था, वर्किंग कैपिटल एडवांसेस में अगर मोबिलाइजेशन एडवांस तुमको रिसीव हो गया है तो उसको तुम रिड्यूस कर देना अपने डेटर के कैलकुलेशन में से, प्लस ड्रॉइंग पावर जो भी तुम्हारे दिया हुआ है अगर ये 5 करोड़ के ऊपर की ड्रॉइंग पावर होती है, स्टिपुलेटेड अमाउंट की ऊपर की ड्रॉइंग पावर होती है तो यू हैव टू मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स स्टॉक ऑडिटेड। स्टॉक ऑडिट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, स्टॉक ऑडिट तुमने सुना भी होगा। तो स्टॉक ऑडिट हैज़ टू बी डन फॉर फंडेड एक्सपोजर विद इन और मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट इज जनरली 5 करोड़। So that is your drawing power calculation. Clear है? फिर इसके अलावा आपने देखा quarterly quarterly stock audit reports need to be submitted to the bank, right? Yes. जिसको अपन MIS report भी बोलते हैं। एक MIS report जाती है, monthly भी जाती है, कई जगह तुमने देखा होगा, quarterly भी देखा होगा। अगर तुम stock audit करने गए होंगे, so what do? You take out all the accounts of the related accounts, जैसे stock के statement ले लोगे, डेटर का स्टेटमेंट ले लोगे, एंड देन तुम्हारा क्रेडिटर्स का स्टेटमेंट ले लोगे, ये सब के अलावा करंट अकाउंट करंट एसेट्स का भी, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का भी लेजर सारे चेक कर लोगे। फिर पर्टिकुलरली तुम चेक करोगे कि डेटर क्रेडिटर और जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा ड्रॉइंग पावर कितना आ रहा है एज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। एक MIS रिपोर्ट जाती है जो मैनेजमेंट भेजती है, राइट, एंड सिमिलरली ऑडिटर विल चेक दोज MIS रिपोर्ट्स आल्सो। सो ज्यादा काम रहता नहीं स्टॉक ऑडिट में, बट पर्टिकुलरली तुमको ये सब चीजें देखनी पड़ती कि ड्रॉइंग पावर के ऊपर तो नहीं गया लोन मेरा, क्या मेरी ड्रॉइंग पावर कम हो गई क्या, क्या मेरे को रेगुलराइज करना पड़ेगा क्या लिमिट जो मैंने सैंक्शन की हुई है, क्या मेरे को रीपे करने बोलना पड़ेगा क्या कुछ कुछ अमाउंट। सो दैट हैज टू बी सीन। फिर इसके बाद अपने देखा था टेम्पररी डेफिशिएंसी, टेम्पररी डेफिशिएंसी जो मैंने अभी जस्ट बताया तुमको, टेम्पररी डेफिशिएंसी जस्ट मैंने जो बताया क्या कि तुम्हारी ड्रॉइंग पावर लिमिट एक्सीड हो गई है, मतलब लिमिट तुम्हारी ड्रॉइंग पावर को भी एक्सीड कर रही है। तुमने लोन दिया 45 लाख का, ड्रॉइंग पावर थी तुम्हारी 50 लाख की, नेक्स्ट क्वार्टर तक तुम्हारी ड्रॉइंग पावर आगे 40 लाख क्योंकि इन्वेंट्री डेटर तुम्हारे कम हो गए। सो इन डेट केस 45 लाख जो कि ओवर एंड अबव योर ड्रॉइंग पावर दिख रहा है, सो डेट हैज टू बी रेगुलराइज। सो ये टेम्पररी डेफिशिएंसी है, इसको एनपीए मत मानना। हाउएवर अगर ये 3 महीने से ज्यादा पुराना स्टेटमेंट है तुम्हारा, अगर ये जो स्टेटमेंट जो तुमको मिल रहा है ये 3 मंथ से पुराना स्टेटमेंट है, सो इन डेट केस यू कैन क्लासीफाई इट एज एनपीए, देन डेट केस यू कैन क्लासीफाई द अकाउंट एज इररेगुलर। सो इसको रेगुलर मानोगे अगर जो स्टेटमेंट तुमको मिल रहा है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इफ इट इज मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड देन यू विल हैव टू क्लासिफाई इट एज इररेगुलर अकाउंट। लिमिट्स अगर तुम रिव्यू नहीं कर रहे हो विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट और डेट ऑफ एडॉक सेंक्शन, देन ऑल्सो यू विल बी क्लासिफाइंग इट एज एनपीए। एसेट मैंने बताया था बोरोवर वाइज क्लासिफाई होगा, नॉट फैसिलिटी वाइज। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेज है, सो इन दैट केस यू विल नॉट क्लासीफाई द अकाउंट एज एनपीए अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूडिएट कर रहे अपनी गारंटी अगर इन्वोक की जाती है तो। गारंटी इन्वोक कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेप्यूडिएट कर दिया गारंटी, सो इन दैट केस ओनली यू विल क्लासिफाई द अकाउंट एज एनपीए, इन नो केस यू विल क्लासिफाई दैट अकाउंट एज एनपीए इफ इट इज अ इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी। हाउएवर इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेरा एज इट इज होगा, एज जैसा एनपीए का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन, सॉरी नॉट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन मेरा अभी भी रिसीट बेसिस में ही होगा, ठीक है, ये याद रखना। इसमें ये भी याद रखना कि ये नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल, सॉरी नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस है, सो दे विल कंटिन्यू टू क्लासिफाई इट एज एनपीए ओनली। क्लियर है? एग्रीकल्चरल एडवांसेस में अपन ने देखा था कौन डिसाइड करेगा क्रॉप सीजन, कौन डिसाइड करेगा क्रॉप सीजन, फटाफट से बोलो, क्रॉप सीजन कौन डिटरमाइन करता है एग्रीकल्चरल एडवांसेस में? स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, एमसीक्यू आया हुआ है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है, तुम्हारा क्रॉप सीजन। क्यों डिसाइड कर रहे अपन क्रॉप सीजन डिटरमाइन क्यों करना चाह रहे कि इसका खरीफ बेस्ड ऑन दैट द एनपीए कैलकुलेशन विल बी मेड। हां, बेस्ड ऑन द क्रॉप सीजन द एनपीए कैलकुलेशन विल बी मेड। बेस्ड ऑन द क्रॉप सीजन यू विल डिटरमाइन कि ये तुम्हारा एनपीए है कि नहीं, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म क्रॉप सीजन है, लॉन्ग क्रॉप सीजन है, तो उस केस में तुम देखोगे कि एक क्रॉप सीजन तक अगर तुम्हारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रिपेमेंट नहीं होता है तो तुम उसको एनपीए करोगे। अगर शॉर्ट क्रॉप सीजन है तो उस केस में तुम उसका 2 क्रॉप सीजन देते हो, तुम उसको रिपेमेंट के लिए 2 क्रॉप सीजन मिलता है।
सो रेबी खरीफ क्रॉप, सबका अलग अलग क्रॉप सीजन है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि एनपी होगा कि नहीं होगा। इसमें अपन ने देखा था कि अदर देन एग्रीकल्चरल एडवांसेस है, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस का जो एनपीए क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन होगा वो एज इज नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस जैसा ही होगा, जो 90 डेज वगैरह अपन ने देखा था ना वैसा ही होगा, क्रॉप सीजन वाइज नहीं होगा उसका। फिर स्टैंडर्ड एसेट के अगेंस्ट भी अपन प्रोविजन तो बनाती है, हाँ अपन को तो पता है, अपन ने एनबीएससी में देख के भी आए थे। रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस में अपन ने देखा था कि ये रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस तुम्हारे सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो जाएंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ये सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो जाएंगे, एंड एनपीए जो अगर ऑलरेडी है और उसको तुम रिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो डेट विल रिमेन इन द सेम कैटेगरी, डेट विल रिमेन इन द सेम कैटेगरी, क्योंकि एनपीए क्लासिफिकेशन चालू कहाँ से होता है, सब स्टैंडर्ड से। सो एनीवे अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड अकाउंट भी होगा, तुम रिस्ट्रक्चर करा रहे हो, तो ये ऑलरेडी एनपीए बनी रहे, ये एनीवे सब स्टैंडर्ड के अंदर जा ही रहा है, ठीक है। बट मैंने तुम लोगों को बताया था प्रैक्टिकली अभी रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं है, ओटीआर अलाउ किया था आरबीआई ने इन द कोविड केस में, उसके पहले सीडीआर वगैरह चलता था, अभी कोई सीडीआर ना ओटीआर कुछ नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट अपन ने देखा था कि अगर तुमको एनपीए से पीए में अपग्रेड करना है सो देन यू नीड टू हैव व्हाट प्रॉपर सेटिस्फेक्शन की परफॉर्मेंस तुम्हारा प्रॉपर है ये अकाउंट का एडवांस का। फिर अपन ने एनपीए सेल और परचेज में देखा था, तो ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा तुमको, कि एसबीआई अगर एनपीए सेल कर रही है अदर बैंक को सो वो विदाउट रिकोर्स करेगी, हमेशा याद रखना विदाउट रिकोर्स बेसिस होना चाहिए, कैश बेसिस होना चाहिए, विदाउट रिकोर्स बेसिस होना चाहिए, कैश बेसिस होना चाहिए, और जो तुम्हारी प्राइस होगी ये कंटिजेंट नहीं होनी चाहिए, ये अपफ्रंट डिटरमाइन होना चाहिए। एक करोड़ का 40 लाख दे रहे तो 40 लाख देगा, ऐसा नहीं कि अगर 50 लाख मिला तो 45 दूंगा, 60 मिला तो 55 दूंगा, नो, इट शुड नॉट बी कंटिजेंट अपॉन द रिकवरी फ्रॉम दैट एडवांस, इट शुड बी प्री डिटरमाइंड, प्राइस शुड बी डिटरमाइंड अपफ्रंट बेसिस पे। इसके अलावा तुमको तुम इसको वापस से खरीद नहीं सकते, जो तुमने एनपी अकाउंट सेल कर दिया दूसरे बैंक को, तुम इसको चाहोगे वापस खरीदना तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। प्लस 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 तुम्हारे बुक्स में ऑलरेडी वो 2 साल तक एनपी होना चाहिए, तभी जाके तुम इस एनपीए को सेल कर सकते हो किसी और को। फिर अपन ने देखा था प्रोविजन और नेट बुक वैल्यू, अगर मैं जो सेल कर रहा हूँ एनपीए को वो मेरी नेट बुक वैल्यू से कम है, नेट बुक वैल्यू से कम है मतलब मेरा लॉस हो रहा है, ये लॉस मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है, ये लॉस मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा, लेकिन मेरा अगर नेट बुक वैल्यू से ज्यादा अगर मेरे को अमाउंट मिल रहा है सो इन दैट केस आई विल नॉट ट्रांसफर द अमाउंट टू प्रोविजन, प्रोविजन को मैं रिवर्स नहीं करूंगा, आई विल ट्रांसफर द अमाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, और प्रोविजन का अमाउंट एज इज रहेगा, सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी लॉस होता है तो वो प्रोविजन तुमको काम आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो? फिर फिक्स्ड एसेट और अदर एसेट्स में तुमको होमवर्क दिया था, अभी भी अगर जिस जिसने नहीं किया हुआ है आज कर लेना, प्लस अपन अब चालू करते हैं आज करना क्या, अदर वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी। कैपिटल में क्या देखोगे तुम लोग, सिंपल है, कैपिटल में तो अपन वही सब देखेंगे क्या, कि भैया ओपनिंग बैलेंस क्या था कैपिटल का, क्या कैपिटल इंक्रीज हुआ है क्या, पास थ्री शेयर सर्टिफिकेट जो होता है पास थ्री, अलॉटमेंट हुआ है क्या न्यू शेयर, न्यू सेट ऑफ शेयर कैपिटल, पेडअप कैपिटल बढ़ा है क्या, सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ा है क्या, प्रोस्पेक्टस वगैरह ये सभी तुम देखोगे क्या अपने कैपिटल में, राइट। स्ट्रेस टेस्टिंग मैंने बताया था, सारे कमर्शियल बैंक को एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड एलएबीज, आरआरबी और एलएबी को नहीं करना है, क्योंकि आरआरबी एंड एलएबीज आर जनरली स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक ओनली, सो कमर्शियल बैंक ऑलरेडी दे विल बी डूइंग द स्ट्रेस टेस्टिंग, राइट। सो आई टोल्ड यू स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, हम जानबूझ के जीएनपीए बढ़ा के देखेंगे, हम जानबूझ के अपनी एफिशिएंसी रेशियो कम करके देखेंगे, राइट, ये सब स्ट्रेस सिनेरियो में देखेंगे कि वेदर द बैंक इज एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस एनवायरमेंट और नॉट, वेदर इट विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट। सो स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए खुद का टू सूट देयर इंडिविजुअल नीड्स, सो बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, सारे कमर्शियल बैंक का बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नॉर्मल ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ये चिंदू पुंदू, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, सब आरबीआई बोलती है कि सारे बैंकों को अपना एक खुद का बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए टू सूट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। बासिल थ्री फ्रेमवर्क तुमने देखा होगा अगर, तो कभी कोई बैंक का बासिल थ्री डिस्क्लोजर गूगल में सर्च करना, यू विल फाइंड बासिल थ्री से रिलेटेड पूरा एक डिस्क्लोजर होता है, जिसमें बासिल थ्री के रेशियोज लाइक एग्जांपल एलसीआर, एनएसएफआर, ये सारे जो रेशियोज है, नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बासिल थ्री रिलेटेड जो रेशियोज है ये पर्टिकुलरली डिस्क्लोज किए जाते हैं। प्लस तुम्हारे सीआरएआर होता है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं अपने, सीईटी वन होता है, एक टीयर वन होता है और एक टीयर टू होता है, ठीक है, ये तीनों मिला के अपन क्या बोलते हैं टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सीईटी वन से अगर तुम डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट करोगे तो इसको अपन बोलते हैं सीईटी वन रेशियो, टीयर वन डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट करोगे तो इसको अपन बोलते हैं टीयर वन रेशियो, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सीईटी वन एज पर बेसिल फ्रेमवर्क सीईटी वन की रिक्वायरमेंट है 8.5%, सीईटी वन की रिक्वायरमेंट 8%, टीयर वन की रिक्वायरमेंट है 9.5%, और टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब टीयर वन टीयर टू सीईटी सब 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 मिला के तुम्हारी रिक्वायरमेंट है 11.5%, ठीक है। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सीसीबी, मतलब तुम्हारा
कन्वर्जन बफर होता है, एक बफर। तो सीईटी की रिक्वायरमेंट तो 6% है, लेकिन 2.5% तुम्हारा क्या होता है, बफर। सॉरी, ये 5.5% है सीईटी 1 की, लेकिन 2.5% तुम्हारा बफर होता है। बफर मींस यू हैव टू कीप एक्स्ट्रा कैपिटल। सो सीईटी 1 की एक्चुअल आरबीआई के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट आ जाती है 8%। सिमिलरली टीयर 1 की रिक्वायरमेंट आ जाती है 7+2.5 एंड 9+2.5 तुम्हारी टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये सब रेशियो याद करने के नहीं, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूं बेसिल 3 के अंदर क्या-क्या डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, याद नहीं करने, जस्ट रिमेंबर दिस कि हाँ ये सब रेशियोज वगैरह कुछ कुछ होते हैं जिसका डिस्क्लोजर करना होता है। सीईटी 1 टीयर 1 टीयर 2 रेशियो, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सीईटी 1 और टीयर 1 में क्या डिफरेंस है, सीईटी 1 तुम्हारा होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन इक्विटी कैपिटल ऑन रिजर्व एंड प्योर प्योर प्रॉफिट, कॉमन इक्विटी प्लस प्रॉफिट। इसके अलावा एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होता है तो कुछ कुछ डेट्स होते हैं, डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो कि 81 क्राइटेरिया में फुलफिल करते हो तो वो तुम्हारे एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में इंक्लूड होगा फ्रॉम सीईटी 1। सो सीईटी 1 प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इंक्लूड होता है तो तुम्हारा क्या आता है, टीयर 1 कैपिटल। सो ये सब कुछ कुछ डिस्क्लोजर किया जाता है पूरा का पूरा बाय द बैंक्स इन देयर बासिल 3 के फ्रेमवर्क में। बासिल 3 फ्रेमवर्क क्यों है, टू इम्प्रूव बैंक सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, राइट। अभी अपन ने देखा कि एक बफर होना चाहिए, राइट, ये बफर मैं तुमको जो बता रहा था सीसीबी, इसलिए सीसीबी के अकॉर्डिंगली बफर होना चाहिए तुम्हारे पास एंड डेट एंश्योर्स कि अभी कोई शॉक आए, शॉक पड़े तो शॉक लगा करके तुम चालू नहीं हो जाओ, ठीक है, शॉक नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। बैंक सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस अगर कभी भी आता है तो। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होना चाहिए एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस तुम्हारी इंप्रूव होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स भी, तुम्हारा प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बी हैज टू बी एंश्योर्ड। ये तुम्हारा हो गया बासिल 3 के अकॉर्डिंगली उसका एम क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी मेजर तुम देख सकते हो यहाँ पे टीयर 1 का दिया हुआ है क्या आता है टीयर 1 में, टीयर 2 में क्या क्या आता है, सबऑर्डिनेटेड डेट्स वगैरह टीयर 2 में आ जाएंगे। टीयर 2 कैपिटल इज लोअर देन डेट ऑफ टीयर 1 कैपिटल, ये यस ऑब्वियसली बिकॉज टीयर 1 में इक्विटी आता है तुम्हारा। सो जनरली बैंक्स डेट ज्यादा नहीं होगा, बैंक्स के पास इक्विटी ज्यादा होगा। इक्विटी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगी, डिपॉजिट्स, एंड डिपॉजिट्स के बाद तुम्हारा बोरिंग आएगा। सो डिपॉजिट्स विल फॉर्म मोस्टली 80-85% ऑफ टोटल फंडिंग, उसके बाद इक्विटी एंड देन फिर बोरिंग। सो बोरिंग सबऑर्डिनेटेड डेट वगैरह जो होंगे वो तुम्हारे जनरली कम पाया जाएगा। टीयर टू विल फाइंड टीयर टू विल बी लेस देन टीयर वन कैपिटल, मतलब टीयर 1 कैपिटल ज्यादा होता है एंड टीयर 1 को अपन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल। क्यों हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल बोल रहे हैं अपन इसको, बोलो टीयर 1 हाईएस्ट क्वालिटी क्यों बोल रहे हैं, बैंक इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दिस बैंक्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सी इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसे कोई बैंक नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक इज जस्ट अ डिपार्टमेंट इन द बैंक इटसेल्फ। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक है उसका एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट है, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक को मैं इन्वेस्टमेंट बैंक बोलूंगा, नहीं, आईसीआईसीआई बैंक स्टिल द बैंक ओनली, दे विल एक्सेप्ट द डिपॉजिट एज पर आरबीआई रेगुलेशन, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फंक्शन हो गया बैंक्स का ही, कुछ फंक्शन का कुछ नाम बस दे दिया। काम क्या है, काम कुछ नहीं है, काम दलाली का काम है, दलाली का, तू समझ रहे हो दलाली का काम। आज चल के तुम आए, मान लो सर मेरे को ये बेचना है और मेरे पास और क्लाइंट है जो इसको बोल रहे हो कि सर मेरे को ये चीजें खरीदनी है, मेरे को पता है कि तुम सेलर हो और ये बायर है, सेम प्रोडक्ट है मेरे पास बायर और सेलर दोनों अवेलेबल है, मैं दोनों को मिलाऊंगा, दलाली खाऊंगा बीच में, दलाली ब्रोकरेज, दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंक। यही है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक फंक्शन है तुम्हारा, डिफरेंट डिपार्टमेंट है विद इन दी बैंक। ये कोई अलग से ऐसा कोई एंटिटी तुमको नहीं मिलेगी जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही डील कर रही है, मतलब ऐसा कोई बैंक नहीं मिलेगा जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही कर रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है, बुटीक फर्म्स होती है, छोटी छोटी फर्म्स, जैसे सीए फर्म होती है वैसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है जो सिर्फ दलाली का काम करती है, मिलाने का काम, ये दलाली का काम ही है बस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। लेकिन विद इन द बैंक यू विल फाइंड कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ सेपरेट डिवीजन ओनली। सो बैंक्स विल इंक्लूड ओनली नॉर्मल बैंक्स विच इज यो तुम्हारे जो आरबीआई गवर्न बैंक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहा हूँ, जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक वर इनटू रिटेल बैंकिंग, रिटेल और होलसेल दो डिपार्टमेंट होते हैं बैंक्स में। होलसेल मतलब अदानी को देना लोन, ठीक है, अदानी, रिलायंस, अमानी और सारे बैंक्स को। सो सिटी वॉज इनटू होलसेल बैंकिंग एज वेल एज रिटेल बैंकिंग। तीन महीने पहले उन्होंने अपना रिटेल डिवीजन बेच खाया। रिटेल डिवीजन किसको बेच दिया, एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक ने पूरा का पूरा सिटी बैंक का रिटेल बैंकिंग ले लिया है अब, ठीक है, क्योंकि मोस्टली विल फाइंड जैसे सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारे ना एमएनसी बैंक है, दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन आरबीआई रेगुलेटेड इन्वायरमेंट। इंडियन इन्वायरमेंट में दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन टू बिकॉज ऑफ ह्यूज रेगुलेशन कंप्लायंसेस टू बी डन, ठीक है। सो जनरली विल फाइंड कि ये जो एमएनसी बैंक है दे डोंट हैव रिटेल डिविजन हियर इन इंडिया। बेसिल 3 का रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट फर्म में भी होता है ना,
इन्वेस्टमेंट फर्म लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म तुम बोल रहे हो? नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो फर्म्स होती है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही डील कर रही है। बैसिल थ्री इज फॉर बैंक्स। बैसिल थ्री रिपोर्टिंग बैंक से लिया था जब बैसिल थ्री स्विट्जरलैंड में इन्होंने कमिटी फॉर्म की थी एंड वेयर स्विट्जरलैंड या जिनेवा था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट वहाँ पे उन्होंने कमिटी फॉर्म की थी बैसिल थ्री कमिटी एंड अकॉर्डिंगली दे केम आउट विथ सर्टेन नॉर्म्स एंड सर्टेन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस सो डैट बैंक्स में जितने फ्रॉड हो रहे थे ना 1990s में वो कर्ब किए जा सके। सो डैट इज हाउ दिस नॉर्म्स केम। पहले बैसिल वन आया फिर बैसिल टू फिर बैसिल थ्री अपडेट होते जाते। अभी करेंटली बैसिल थ्री चल रहा है कई सालों से। ठीक है इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे बस तुमको ये याद रखना है ऑल्दो दिस इज नॉट रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू मी आरबीआई का जो कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क रेशियो है सीआरआर ये 9+2.5 आरबीआई के अकॉर्डिंग ये 9% है टू मेन ऑनगोइंग बेसिस। लेकिन मैंने क्या बताया सीसीबी होता है तुम्हारा 2.5% का सो तुम्हारा एनीवे सीआरआर 11.5% मेंटेन करना चाहिए तुमको। सीसीबी होता है 2.5% का ये जो 9% है ये एज पर बेसिल रिक्वायरमेंट है ये एज पर बैसिल 3 की रिक्वायरमेंट है 9%। लेकिन टोटल सीआरआर हो या सीईटी 1 हो या टीयर 1 कैपिटल रेशियो हो सब में तुमको 2.5% इंक्लूड करना होता है सीसीबी जिसको अपन क्या बोलते हैं कन्वर्जन कैपिटल बफर। कन्वर्जन कैपिटल बफर सो 9% है तुमको याद रखना है अगर एग्जाम में आता है तो तुमको क्या याद रखना है 9% है। और टोटल सीआरआर एज पर तुम कभी भी जाके देखोगे कोई बैंक की वेबसाइट या कभी खोलोगे तो तुमको मिलेगा सीआरआर तुमको मेंटेन करना है एट द रेट मिनिमम 11.5% 2.5 सीसीबी होता है। मतलब सर क्वेश्चन आए तो मिनिमम तो 9% ही सिलेक्ट करना है। नाइस सुना ओके एमसीक्यू में 9 ही कर रहे ठीक है। अभी फिर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस तुम देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में यू विल फाइंड वेरीफाइंग ओपनिंग बैलेंसेस विद ऑडिटेड बैलेंस शीट सीसीबी मतलब कन्वर्जन कैपिटल बफर अर्नअप। कन्वर्जन कैपिटल बफर इज जस्ट एडिशनल नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एग्जाम रेलेवेंट नहीं है बट ये जो 9% है इसमें कन्वर्जन कैपिटल बफर लगता है कि भैया तुम कभी भी चल के अगर तुम मान लो 9.5-10% मेंटेन कर रहे हो समझो बैंक अगर 9.5% मेंटेन कर रही है एंड अब तुमने और अपने आपको एक्सपांड करना चालू किया तुमने लोन्स एंड एडवांसेस देना चालू किए तो क्या तुम्हारे रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे टेल मी क्विकली। आरडब्ल्यूए बढ़ेगा अगर तुम लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हो तो आरडब्ल्यूए बढ़ेगा कि नहीं रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा। यस रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा ना लोन्स एंड एडवांसेस देखो अगर आरडब्ल्यूए बढ़ेगा तो क्या तुम्हारे 9.5% 9 से कम हो सकता है। टीयर वन तो उतना ही रहेगा टीयर वन कैपिटल तो उतना ही रहेगा लेकिन अगर आरडब्ल्यू बढ़ेगा तो क्या ये मेरा टीयर वन रेशियो 9.5 से कम हो सकता है 9 से कम हो सकता है मैं जैसे जैसे लोन बढ़ाते जाऊंगा। यस सो मेरा लोन एंड एडवांसेस के कारण मैं एक्सपांड करते जा रहा हूँ एंड बिकॉज ऑफ डेट मेरा 9% से कम नहीं होना चाहिए इसलिए मेरे को एक बफर रखना है 2.5% का। सो आई हैव टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 11.5% बट नॉट 9% ठीक है। सो डेट इज मोर और लेस एक बफर है बफर एनीवेयर प्रैक्टिकली आई वॉज टेलिंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है। सी सी बी होगा तुम्हारा 2.5% का बट तुमको याद रखना क्या है 9% तुम्हारा मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट है। सी आर ए आर रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारी टोटल सी आर ए आर रिक्वायरमेंट इज 9% ओनली। फिर देखो आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में एक बार देख लो एक बार रिजर्व एंड सरप्लस वॉट इज सबऑर्डिनेटेड एट। सबऑर्डिनेटेड का मतलब समझ में आ रहा है पहले तो मीनिंग वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेटेड मतलब प्रायरिटी में वो ऊपर आएगा कि प्रायरिटी में नीचे आएगा ये सोच के देखो एक बार। सबऑर्डिनेटेड है वो प्रायरिटी में ऊपर आएगा कि प्रायरिटी में नीचे आएगा। अगर मेरे को पे करना है मान लो बिनिशा को और मेरे को पे करना है तुमको शुभम तो प्रायरिटी में अगर तुम सबऑर्डिनेटेड हो तो मैं तुमको बाद में पे करूंगा राइट। सो डेट इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटेड डेट। दीज आर जनरली अनसिक्योर्ड डेट होते हैं अनसिक्योर डेट्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेटेड डेट। और अनसिक्योर्ड में भी तुम्हारे और डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकते हैं उसके अंदर भी तुम प्रायोरिटी वाइज अगर तुम्हारा और नीचे आ रहा है तो देन यू विल बी कॉल्ड एज सबऑर्डिनेटेड डेट ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर ये तुमने देख लिया होगा आई गेस तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स देखने स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया कैपिटल रिजर्व हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो गया रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व हो गया इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सब तुमको देख लेना है एक बार। अब बताओ डिपॉजिट्स में आ जाते हैं अपन।
डिपॉजिट्स में मैंने बताया था तीन टाइप के डिपॉजिट्स है, ब्रॉडली ब्रॉडली विल फाइंड थ्री डिपॉजिट. एक तो हो गया तुम्हारे दो कासा, दैट इज करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. तीसरा हो गया तुम्हारा टर्म डिपॉजिट, एंड कुछ हो गए डिपॉजिट विच इज डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी. डिपॉजिट विच इज डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी. तो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में तो क्या क्या चेक करोगे तुम? केवाईसी देखोगे सबसे पहले. तो मैं जब बैंक ऑडिट में गया था सबसे पहली बार, तो यही काम देते थे मेरे को, सिर्फ यही काम करता था मैं, जाके केवाईसी चेक करूँ सबका. ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है तुम्हारे प्रॉपरली फिल्ड अप है कि नहीं है, तो केवाईसी देखना, अडेरेंस टू केवाईसी नॉर्म. सेविंग अकाउंट्स आर नॉट ओपन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न. बिजनेस के लिए तुमको क्या ओपन करना है? करेंट अकाउंट, राइट? बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट ओपन करना है. इंडिविजुअल अकाउंट में सैंपल बेसिस में चेक कर लेना कि मिनिमम एवरेज बैलेंस जो तुम्हारा है वो मेंटेन्ड है कि नहीं. इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिनिमम सैंपल बेसिस में चेक कर लेना. और कोई भी करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया गया है ना, लेकिन अगर बैंक की पॉलिसी है करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट देने की, तो फिर दोगे तो चलेगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट बैंक, साउथ ईस्ट बैंक में तुमको दिखेगा 2 लाख तक अगर तुम्हारा करेंट अकाउंट डिपॉजिट है तो तुमको 3% मिलता है, शायद 3% या 2.5%. एंड 2 लाख to 5 करोड़ तक है, 2 लाख से लेके 5 करोड़ तक का अगर तुम्हारा करेंट अकाउंट बैलेंस है तो तुमको उसके ऊपर 4-5% इंटरेस्ट मिलता है. तो वो एक पॉलिसी है बैंक की. अपन को जनरली याद क्या रखना है, करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. ये अपने को लॉजिकली पता भी है, बट एक्सेप्शनली तुमको पता होगा कि कई बार सेविंग बैंक अकाउंट में भी कई बार ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कुछ कुछ बैंक देती है. जैसे एग्जाम्पल BOB या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर BOI, जो तुम्हारा अगर 2 लाख या 3 लाख के ऊपर का अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस रहता है, एवरेज बैलेंस अगर तुम्हारा 2 लाख या 1 लाख के ऊपर रहता है, तो उस केस में वो तुमको 6% दे रही थी, जबकि जनरली कितना मिलता है अपन को 3.5%, 3-3.5%, राइट, सेविंग बैंक अकाउंट में. सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ द बैंक. अकॉर्डिंगली बैंक चाहे तो अपना डिपॉजिट रेट बढ़ा सकती है, अल्टीमेटली लॉस बैंक को ही होगा, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी. ठीक है, एनीवे बैंक एकदम एक्सेसिव नहीं बढ़ा सकती कॉस्ट ऑफ फंडिंग, क्योंकि RBI रेगुलेशन रहता है. सो देखो, प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग बैलेंस कंफर्मेशन हैज बीन फॉलोड. इसके अलावा डेबिट बैलेंस इन करेंट अकाउंट आर नॉट नेटेड आउट ऑन लायबिलिटी साइड, रेदर इंक्लूडेड अंडर एडवांसेस. इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले पॉइंट को क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अगेन तुमको, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. मान लो करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया मेरा, ओडी अकाउंट टाइप हो गया, समझ लो ये मेरा ओडी अकाउंट टाइप हो गया, राइट, ओडी अकाउंट टाइप हो गया. ओडी अकाउंट मतलब मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है करेंट अकाउंट का. तो डेबिट बैलेंस है मेरा करेंट अकाउंट का, अच्छा सॉरी, डेबिट बैलेंस है करेंट अकाउंट का मतलब मेरे को पैसे लेने हैं उससे. सो पैसे लेने हैं मतलब उसने पैसे उठाए हुए, यस करेक्ट ओनली. सीसी या ओडी अकाउंट समझ लो एक बार के लिए, सीसी एंड ओडी अकाउंट हो गया तुम्हारा. इसको जो तुम्हारा ऑलरेडी करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट है ये मेरा कहाँ पे दिखता है, एडवांसेस में, राइट. मैंने अगर करेंट अकाउंट दिया है, ये वाला मेरे को कहाँ दिखेगा, डिपॉजिट में, और ये वाला मेरे को कहाँ दिखेगा, सीसीओडी एडवांसेस में. तो ये बोल रहे कि किसी अकाउंट का करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो गया, मतलब ये वाला, तो इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा. आई होप यू आर गेटिंग. करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो तुम उसको एडवांसेस में दिखाओ, और करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो तुम उसको डिपॉजिट में दिखाओ, सिंपल. ठीक है, उसको नेट आउट मत करो. इंपॉर्टेंट अगेन एमसीक्यू आ सकता है. बल्क डिपॉजिट है तुमको, सो उसमें तुमको प्रॉपरली चेक करना है सारे बल्क डिपॉजिट अकाउंट का कि करेक्ट इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है या नहीं. अब बल्क डिपॉजिट किसको बोलते हैं अपन, बल्क डिपॉजिट बोलते हैं 2 करोड़ एंड अबव फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के केस में अगर 2 करोड़ या उससे ज्यादा का डिपॉजिट किया हुआ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बल्क डिपॉजिट. एंड इन दैट केस ऑल दोस अकाउंट्स हैव टू बी चेक कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं. करेक्टनेस ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट ऑल्सो ऑन सैंपल बेसिस. फॉरन करेंसी में तुम देख लो FCNR अकाउंट ओपन ऑन सैंपल बेसिस में, वेरीफाई कर लो कुछ FCNR अकाउंट को. परमिसिबल क्रेडिट के अंदर ही वो FCNR अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जितना क्रेडिट हो सकता है उससे ज्यादा क्रेडिट तो नहीं हुआ है ना कहीं पे भी. एंड FCNR अकाउंट एग्जामिन करें तुमको पर्टिकुलरली कि जो तुम रूपी में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम उतने रेट पे कन्वर्ट कर रहे हो विच इज नोटिफाइड बाई दी हेड ऑफिस, एट द रेट नोटिफाइड बाई दी हेड ऑफिस. कन्वर्जन इन टू रूपीज एट द रन इज डन एट द रेट ऑफ notified by head office. प्लस तुमको ये चेक करने की इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो तुम दे रहे हो वो 360 डेज इन ईयर के हिसाब से दे रहे हो. 360 डेज मतलब अलग अलग हो सकते हैं ना, 1/12 हो सकता है, 1/365 भी हो सकता है तुम्हारा, 1/360 बेसिस भी हो सकता है. तुमको याद रखना है क्या कि 360 बेसिस पे अपन ये वाला बेसिस को फॉलो करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैलकुलेट करते टाइम. ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ वो लास्ट वाला पॉइंट वापस बोलोगे क्या 360 डेज वाला? 360 डेज मतलब समझो तुम्हारा जो इंटरेस्ट, मान लो तुम्हारा डिपॉजिट आया है 25th फेब, ठीक है, 25th फेब को तुमने अकाउंट खोला, डिपॉजिट खोला, अब 31st मार्च को और 30th जून को, सॉरी 31st मार्च को और 30th सेप्टेम्बर को हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू होता है। सो अभी 31st मार्च को जब तुम्हारा इंटरेस्ट ड्यू होगा तो तुम इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, 25 से लेके 28th फेब तक कितने दिन हो गए, 4 दिन प्लस मार्च के 31 दिन, यानी 35 डेज हो गए तुम्हारे। सो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है 6% ऑफ एवरेज बैलेंस, 6% ऑफ एवरेज बैलेंस इंटू 35/360 करोगे, ये जो डिवाइड बाय 360 है ये डिवाइड बाय 360 होगा, ना कि डिवाइडेड बाय 365। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा तुम्हारा डिवाइड बाय 360 होगा, जो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करोगे ना 360 डेज को मान के करोगे, 365 डेज को मान के नहीं। ओके सर, एक बार इसको क्विकली रीड कर लो बोरिंग्स को। ठीक है, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन से आई विल बी गिविंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर, एक घंटे का ही होगा, अराउंड एक घंटे का भी नहीं होगा, काफ़ी कम देर का होगा, बचा नहीं है ज़्यादा पोर्शन। अपन अभी क्लास को आज यहीं पे ओवर करेंगे एंड डू दिस, दो तीन पेज जो बचे हैं ना उसको रिकॉर्डेड अभी कवर कर लो, अभी अभी तुरंत तुरंत, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स, वॉट एवर, ठीक है, 8:40 से बैठ जाओ, 9:40 तक खत्म करो, विद इन हाफ एन आवर आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा बैंक ऑडिट। एक बार कंप्लीट होने के बाद ट्राई टू रिवाइज एटलीस्ट वंस, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो फटाक से। तुम्हारा टेस्ट है CFS और LODR के ऊपर, ठीक है, CFS प्लस LODR टेस्ट है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो आज बैंक ऑडिट रिवाइज करने की कल करने देख लो तुम, बट आज कल और परसों तक तुम्हारा CFS और LODR रिवाइज हो जाना चाहिए। LODR अपन ने ऑलरेडी एक बार रिवाइज किया हुआ है बार बार, ठीक है, प्लस CFS तुम्हारा इजी चैप्टर है। सो आई एम गिविंग यू 2 डेज, अब थोड़ा फ्रीक्वेंट टेस्ट करना है, सो कांट गिव यू दैट अमाउंट ऑफ डेज विच आई गिव फॉर NBFC, ठीक है। सो CFS और LODR का टेस्ट है तुम्हारा वेंसडे को, प्रॉपरली एंश्योर करना है कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, सबके सब दोगे टेस्ट, ठीक है, सबके सब दोगे टेस्ट। NBFC का टेस्ट किस किस ने नहीं दिया अभी तक बोल दो, फ्रेंकली कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी दोगे तो चलेगा, कोई डाउट मेरे को पूछना तो पूछ सकते हो, बिकॉज दैट लेक्चर कुडंट गेट रिकॉर्डेड, उस दिन रिकॉर्ड नहीं चल रहा था, OBS नहीं चल रहा था उस दिन। NBFC का टेस्ट किसी ने नहीं दिया क्या? शिप्रा ने नहीं दिया, शिप्रा दो अभी टेस्ट जल्दी, ठीक है, CFS LODR के बाद दे देना भले ही, अभी अब CFS LODR पे फोकस करो, ऑलरेडी किया हुआ है CFS LODR, किसी का बचा हुआ है लेक्चर्स वगैरह, बचा उस इनफ टाइम था, 20 को ले लो सर टेस्ट, 20 को क्या है, 17, 18, 19, 20, एक मिनट, ठीक है, ये वेंसडे को नहीं करके तुम इसको कर लो 20th मतलब थर्सडे, एंड विल कंडक्ट द टेस्ट इन नाइट, ठीक है, सब लोग लाइव टेस्ट देंगे properly, test will be conducted in night only, properly live aage test doge and will then discuss the answers accordingly. So 20th ko test hai tumhara CFS LODR ka, bank audit ka bhi main lecture de raha hu tumko, usko khatam kar lo fatak se and revise kar lena ek bar bank audit ko bhi, abhi apan ne kiya hua hai taaza taaza, ek bar revise kar loge badhiya se yaad ho jayega, summarize kar sakte ho to summarize bhi kar lena, bahut bahut benefit hoga tumko next revision pe, नेक्स्ट टाइम रिवीजन कब भी करोगे तो 3-4 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले बार करोगे तो फिर 2-3, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, जैसे ज़्यादा पेजेस है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पेज है मात्र, ठीक है, ये 20 पेज अच्छे से कर लो, तुम्हारे 7-8 नंबर इंश्योर हो जाएंगे, 7-8 नंबर पक्के पक्के,
और बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है बैंक ऑडिट से, छोड़ने का कोई सोचो मत। मेरे को एक दो कॉल आ गए ऑलरेडी, सर छोड़ दे गया बैंक ऑडिट, अभी से आ गए तुम्हारा, अभी से हिम्मत हार रहे हो, एग्जाम डे में क्या होगा, अभी से मेरे को टेंशन हो रही है कि कहीं छोड़ के ना चले जाओ, अभी से एंश्योर करो, समराइज करो, बाजू में ही तुम समराइज कर सकते हो तो बाजू में करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। 5 से 7 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैब ऑन दिस 5 नंबर्स। बहुत इजी आएगा क्वेश्चन, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली, जैसे क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का क्वेश्चन आया, तुम छोड़ के जाओगे तो कैसे चलेगा, बिना छोड़े जाओगे, एटलीस्ट पढ़ के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे तो ही तुम आंसर कर पाओगे, राइट, प्रॉपरली आंसर करोगे, 5 में 5 मिलेगा पूरा पूरा। एमसीक्यू भी आते इससे बैंक ऑडिट से, एंड एमसीक्यू ड्रिवन पॉइंट्स बहुत सारे अपन ने ऑलरेडी देखे हुए। सो बैंक ऑडिट को रिवाइज करो प्रॉपर्ली, सीएफएस एलओडीआर रिवाइज करो, बीच में एक दिन का गैप चाहिए तो आई विल गिव यू 1 डे गैप, ठीक है, इन बिटवीन। सीआरआर विल बी डिफरेंट फॉर सेक्टर वाइज, एनबीएससी का सीआरआर अलग है देखो, और बैंक्स का सीआरआर, बैंक्स का आरबीआई का जो डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, सब बैंक्स का उतना ही है सीआरआर रिक्वायरमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अलग है सीआरआर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अलग है, पब्लिक सेक्टर बैंक का अलग है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अलग है, डेट आई हैव टू कंफर्म, बट ठीक है, बट सेक्टर वाइज ऐसे अलग अलग नहीं है, सेक्टर वाइज तो सारे बैंक सब सब सेक्टर में है। अब तुम देखोगे तो कई सारे बैंक तो अब गोल्ड लोन में भी आ गए, एनबीएससी को कड़ी टक्कर मिल रही है बिकॉज ऑफ बैंक्स एंटरिंग इनटू गोल्ड लोन्स। पहले एनबीएससी, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस, ये सब लोग थे गोल्ड फाइनेंस में, नाउ ऑल द बैंक्स आर ऑल्सो बीन इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग। सो ऐसा नहीं कि बैंक बैंक वाले अलग अलग सेक्टर में नहीं, बैंक्स टू व्हीलर लोन में भी है, बैंक्स एनबीएससी लोन्स में भी आ गए, सो बैंक सारे सेक्टर में रहते हैं, सब सेक्टर में लोन देने के करते ही है वो लोग, ठीक है। सो सेक्टर वाइज कोई डिफरेंट नहीं है, एज अ होल बैंक अपन को देखना रहता है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड योर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑल दिस बैंक हैव टू मेंटेन सीआरआर। हाँ बोलो रवि। ओके सर, चलो ठीक है फिर, बाय बाय। मैं लेक्चर अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट ब्रेक लेके तुरंत चालू करके अभी तुरंत खत्म कर देना, पेंडिंग मत रखो कुछ भी,